कॉपीकैट मार्केटिंग 101 इस पुस्तक में आपको दौलतमंद बनने की राह दिखाई गई है। इसके लेखक हैं बर्क हेजस। प्रस्तावना, अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति बदले। आज दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है। पहली, अमीरों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, और दूसरी, गरीबों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। जॉन फास्टर ने व्यवसाय संबंधी एक कहानी मुझे बड़ी पसंद है। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ मैनेजर किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेने का फैसला करता है। मैनेजर एक बहुत सम्मानित वित्तीय सलाहकार से अपॉइंटमेंट लेता है, जिसका ऑफिस पार्क एवेन्यू की एक भव्य इमारत में है। मैनेजर जैसे ही सलाहकार के सुसज्जित रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है, चकरा जाता है। वहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, बस सामने दो दरवाजे हैं, एक पर लिखा है कर्मचारी और दूसरे पर लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। चूँकि मैनेजर कर्मचारी है, इसलिए वह कर्मचारी वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर दो दरवाजे उसका स्वागत करते हैं। उस पर लिखा है आमदनी $40,000 से कम और दूसरे पर लिखा है आमदनी $40,000 से ज्यादा। मैनेजर की आमदनी $40,000 से कम है, इसलिए वह पहले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे आ जाते हैं। बाएं दरवाजे पर लिखा हुआ है साल में $2,000 से ज्यादा बचत और दाएं दरवाजे पर लिखा है साल में $2,000 से कम बचत। मैनेजर के बचत खाते में सिर्फ $1,000 ही पड़े हैं, इसलिए वह दाएं दरवाजे को चुनकर उसके भीतर चला जाता है। वह दोबारा पार्क रेवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है। समान दरवाजे समान परिणामों की ओर ले जाते हैं। बड़ी ही दुखद लेकिन स्पष्ट बात है कि इस कहानी का मैनेजर अपनी लीक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि वह अलग दरवाजे खोलने का विकल्प न चुने। कहानी का सबक यह है कि ज्यादातर लोग उसी मैनेजर की तरह होते हैं। वे जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर वही पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अलग परिणाम पाने का इकलौता तरीका यह है कि लोग अलग दरवाजा खोलने का चुनाव करें, न कि जैसा मेरे एक मार्गदर्शक कहा करते थे, अगर तुम वही करते हो जो हमेशा करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा मिलता रहा है। आप 95% लोगों में आते हैं या 5% में। कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज्यादातर लोग एक बंदी बंधाई लीक पर चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वे आर्थिक कुंठा से अंतहीन चक्कर में फंसे हुए हैं। कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज्यादातर औद्योगिक देशों के 95% काम करने वाले कर्मचारी हैं। उनकी सालाना कमाई $40,000 से कम है और वे साल में $2,000 से कम बचा पाते हैं। पहली नजर में देखने पर यह आंकड़े काफी आकर्षक लगते हैं, खास तौर पर $40,000 से कम आमदनी वाले लोगों को। मगर हकीकत यह है कि इस दुनिया के 95% लोग तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वे तो बस जैसे तैसे घिस पिट कर चल रहे हैं। 65 साल की उम्र में आम अमेरिकी नागरिक की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इसके आंकड़ों पर गौर करें। 65 साल की उम्र में 100 आम अमेरिकी, उनमें से 4% आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, 1% दौलतमंद हैं, 36% स्वर्गवासी हो चुके हैं, 54% कड़के और दूसरों पर आश्रित हैं और 5% अब भी नौकरी कर रहे हैं। आपका अंजाम क्या होगा? क्या आप ऐसी आर्थिक दरवाजे खोल रहे हैं जो आपको 95% लोगों की जमात में पहुंचा देंगे, या फिर आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता या दौलत की ओर ले जाएंगे, जैसा सिर्फ 5% लोगों के मामले में ही होता है? मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज्यादा दौलत चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी या कड़के होना चाहते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हर इंसान को 5% लोगों की जमात में शामिल होने के पूरे पूरे फायदे पता चल जाएं, तो बहुत सारे लोग जिंदगी में अलग दरवाजे खोलने का विकल्प चुनेंगे। पल भर के लिए कल्पना करें कि आपकी जिंदगी में समय और पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। कल्पना करें कि आप हर सुबह अपने बच्चों को पैदल स्कूल छोड़ने जाते हैं और अपनी नौकरी के चक्कर में उनके स्कूल मैच या सोकर मैच देखने का मौका कभी नहीं चूकते। कल्पना करें कि आप अपने गोल्फ के समय के हिसाब से अपने कामकाज की दिनचर्या तय करते हैं, न कि अपने कामकाज की दिनचर्या के हिसाब से अपने गोल्फ का समय। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छा अनुसार वेकेशन पर कभी भी जा सकते हैं और कभी भी लौट सकते हैं, बजाय इसके कि आपका बॉस आपके वेकेशन की अवधि तय करे। कल्पना करें कि आप अपना कार लोन पटा लेते हैं, अपना हाउस लोन चुका लेते हैं और हर महीने के अंत में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भी चुकता कर देते हैं। कल्पना करें कि आप 5% लोगों की जमात में शामिल हो चुके हैं। अब आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। अब आप अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। अंत में यह कल्पना करें कि इस पुस्तक को पढ़ने में 1 घंटे के समय का निवेश करके आप वह चीज खोज लेंगे जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी, दौलत बनने की कुंजी। इस पुस्तक का मकसद है, मान लें कि आपको 5% लोगों की जमात में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलता है, क्या आप इसका फायदा उठाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब हाँ में ही देंगे, क्योंकि यह पूरी पुस्तक इसी बारे में है। आगे के पन्नों में आप सीखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का रहस्य सिर्फ यह जानना है कि कौन से दरवाजे खोले जाएं। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपको इस बारे में जागरूक बनाएगी कि ज्यादातर लोग 95% की जमात में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वे गलत दरवाजे खोलने वाले लोगों की नकल करते हैं। वे उन दरवाजों को खोलते हैं जो सीमित तनख्वाह, नीरस नौकरियां और आर्थिक पराधीनता की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, ज्यादातर लोग गलत योजना की नकल कर रहे हैं। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि ज्यादातर लोग जिस वर्तमान सिस्टम की नकल कर रहे हैं उससे सिर्फ अस्थायी आमदनी हासिल
होती है। सच्ची दौलत नहीं मिलती क्योंकि यह पैसे के बदले समय की सामान्य वर्दी पर आधारित है। आप सीखेंगे कि सच्ची दौलत बनाने की कुंजी है लिवरेज। आप लिवरेज का एक बहुत अद्भुत तरीका देखेंगे जिसकी नकल दौलतमंद लोग सदियों से कर रहे हैं। यह तरीका है तीव्र घातांकीय वर्दी। आप सीखेंगे कि दौलत बनाने का रहस्य हर एक के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद एक ऐसी चीज है जिसमें हम सभी बड़े माहिर हैं, नकल करना। सबसे बड़ी बात, इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि आम आदमी किस तरह पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ सकता है। इसके लिए तो उसे दौलत बनाने के एक आसान सिस्टम की नकल भर करनी है जो आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे खोल देगा हमेशा हमेशा के लिए। अध्याय नंबर एक, हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। बच्चे कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी नहीं चूकते। जेम्स बाल्डविन, जो इसके लेखक हैं। मुझे याद है बचपन में मैंने एक जोक बुक पढ़ी थी। मुझे अब भी एक हथौड़ा छाप जोक याद है जो मेरे दोस्त और मुझे बड़ा मजेदार लगता था। पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, आपको तो बस डिजाइन की हूबहू नकल करनी है। देखा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह हथौड़ा छाप जोक है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गंभीर है। हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए, इस बारे में गौर से सोचे। हम जिंदगी में बाकी हर चीज की नकल करते हैं ना, लेकिन हम एक ही चीज की नकल करना नहीं सीख पाए, वह है सच्ची दौलत बनाना। आइए नकल की शक्ति के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद हम उन उपकरणों पर गौर करेंगे जिसकी वजह से ज्यादातर लोग दौलत बनाने की नकल का तरीका नहीं खोज पाते हैं। हम सभी एक चीज में बड़े माहिर होते हैं और वह चीज है नकल करना। हम में से हर एक को खास गुणों और योग्यताओं का वरदान मिला है जिसकी बदौलत हम अनूठे बनते हैं। कुछ लोग बेहतरीन डांसर होते हैं जबकि बाकी लोग संगीत पर अपने पैर भी नहीं चला पाते। हम में से कई लोगों में कलात्मक योग्यता होती है जबकि बाकी लोगों को साधारण तस्वीर बनाने में भी मुश्किल आती है। हम में से कुछ बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं जबकि बाकी तो सीधी लकीर पर भी बगैर लटखड़ाए नहीं चल सकते। लेकिन बिना किसी अपवाद के हम में से हर एक व्यक्ति एक चीज में बड़ा माहिर होता है, वह चीज है नकल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नकल में कितने माहिर हैं? इस क्षेत्र में हमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। हम कॉपीकैट जीनियस हैं। नकल करने के मामले में हम सभी उत्कृष्ट होते हैं। यह गुण हम सभी में होता है, चाहे हम कहीं भी रहते हो या हमारी योग्यता कितनी भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, श्वेत हैं या अश्वेत हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, हम सभी नकल करने में माहिर होते हैं। तो फिर हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? पालने से कब्र तक नकल नकलची। नकल उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। हम भाषा, खान पान, बाल बढ़ाने की शैली, चाल ढाल, कपड़े पहनने की शैली, हर चीज की नकल करते हैं। स्कूल पहुंचने पर हम अक्षरों की नकल करके पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगर आप किसी पाश्चात्य देश में पैदा हुए हैं तो आपने पन्ने के बाएं सिरे से दाएं तक लिखने के सिस्टम की नकल की है। अगर आप एशिया के कुछ हिस्सों में जन्मे हैं तो आपने दाएं से बाएं लिखने के सिस्टम की नकल की है। ज्यादा बड़े होने पर हमने नकल करके कार चलाना सीखा है। इंस्ट्रक्टर ने हमें सिखाया कि किस तरह रियर व्यू मिरर में देखना है, मुड़ने के सिग्नल पर मुड़ना है, एक्सीलेटर पर हल्के से दबाव डालना है, स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलानी है और चौराहे पर रुकना है। हमने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जितनी बेहतर नकल की उतनी ही आसानी से हमने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। जैसा देश वैसा भेस। हम सभी अपने आसपास के लोगों की नकल करने में इतने माहिर होते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के रीति रिवाज और आदतों को देखकर दंग रह जाते हैं। इसलिए जैसा देश वैसा भेस कहावत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हमें भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, खासकर दूसरे देशों की यात्रा करते वक्त। कहना सरल है, करना कठिन है। हम अपने आसपास के रीति रिवाज की नकल करने के इतने आदि होते हैं कि दूसरी संस्कृतियों की नकल के बारे में सुनकर हमें अक्सर हैरत और गुदगुदी होती है। दुनिया भर के टीवी दर्शकों के प्रिय नाश्तों की संक्षेप सूची में आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। अमेरिका पॉपकॉर्न, चीन मुर्गे की टांग, जापान टी सैंडविच, मेक्सिको रोस्टेड कॉर्न, भारत मटन सैंडविच, कोरिया धूप में सूखे सिक्विड। अब बताएं, क्या आपके मन में यह विचार आया, वे यह चीज कैसे खा सकते हैं, धूप में सूखे सिक्विड, मुर्गे की टांग? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन जरा सोचें, अगर आप कोरिया में पले बड़े होते तो टीवी देखते वक्त आप नाश्ते में क्या खा रहे होते? हाँ, आपका अंदाज सही है, धूप में सूखे स्क्विड। काम करने के तरीके की नकल। मेरी बात का मूल मुद्दा यह है, संस्कृतियों के अनगिनत भिन्नताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी संस्कृतियों में एक अद्भुत समानता होती है। हम अपने रीति रिवाज एक ही तरीके से सीखते हैं, नकल करके। हम इतनी ज्यादा नकल करते हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता। सांस लेने की तरह ही नकल करना भी हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नकल इंसान को मिला सबसे शक्तिशाली शिक्षण साधन है। नकल हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालती है, जिसमें छोटी छोटी आदतों से लेकर जिंदगी बदलने वाले बड़े निर्णय शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर, हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करने में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने उन कामों को करना कैसे सीखा? आपने कंप्यूटर पर पत्र लिखना कैसे सीखा? आपने ये कैसे सीखा कि किस पोशाक को पहनकर ऑफिस जाना है? और आपने नवनियुक्त कर्मचारियों को यह कैसे सिखाया अपने कामों की नकल करना सिखाकर? यह हकीकत है, मनोवैज्ञानिक इसे मॉडलिंग और
मिररिंग का नाम देते हैं। मैं तो इसे पेशेवर नकलची बनना कहता हूँ। इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम पालने से लेकर कब्र तक जिंदगी भर नकल करते रहते हैं। इसके कारण बहुत से हैं। नकल करना आसान होता है, हमें हर बार शुरू में हर चीज नहीं करनी होती। यह कारगर है और हम में इसकी जन्मजात प्रतिभा होती है। बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। कहावत को इस तरह भी कहा जा सकता है कि लोग जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। अगर इस दुनिया का हर आदमी किसी एक चीज में माहिर है तो वह नकल। नौकरियों की नकल पर एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सबक। पैसा कमाने के क्षेत्र में भी हम नकल ही करते हैं। हजारों सालों तक किसानों के बेटे अपने पिता की नकल करके किसान बने, मोचियों के बेटे मोची बने। इसी कारण हमारे बहुत से सरनेम व्यवसायों के नाम पर हैं, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर। औद्योगिक क्रांति के बाद फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर जैसे सरनेम वाले बच्चे, लाखों बच्चों ने पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिया और वे काम की एक नई अवधारणा नौकरी की नकल करने शहर आ गए। नौकरी की नकल कई पीढ़ियों तक काफी कारगर साबित हुई, खास तौर पर अमेरिका में, जो औद्योगिक क्रांति का बेताज बादशाह है। 20वीं सदी के पूर्वाध में दो विश्व युद्धों और महान मंदी की छाया में ज्यादातर लोग अपने परिवार वालों और दोस्तों की नकल करके खुश थे और 9 से 5 की नौकरी से संतुष्ट थे, क्योंकि उनकी उम्मीदें उनकी जीवन शैली से आगे नहीं जा रही थी। इसलिए नौकरी करनी चाहिए। मानसिकता की नकल करने वाले लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट थे। नकल करें लेकिन सोच समझ कर। जिंदगी की लगभग हर चीज की तरह ही नकल का भी एक बुरा पहलू होता है। हम किसी चीज की नकल करते हैं इसका यह मतलब नहीं कि वह अच्छी है या कार्यकुशल है या उपयोगी है। दुर्भाग्य से अक्सर सोचने के आलस की वजह से हम नकल का बहाना बना लेते हैं। इससे मुझे मेन स्ट्रीट के एक बूढ़े दुकानदार की कहानी याद आती है। इस दुकानदार के स्टोर के डिस्प्ले विंडो में एक बड़ी घड़ी रखी रहती थी। बरसों तक दुकानदार देखता रहा कि एक संभ्रांत व्यक्ति हर दिन दोपहर को स्टोर के सामने आता था, बड़ी घड़ी के सामने ठहरता था, अपनी जेब से एक पॉकेट वॉच निकालता था और सावधानी से समय मिलाता था। एक दिन दुकानदार की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उससे रहा नहीं गया। जब संभ्रांत व्यक्ति बड़ी घड़ी के सामने आकर रुका तो दुकानदार स्टोर से बाहर की ओर लपका और उससे उस आदमी से पूछ ही लिया कि वह हर दिन अपनी घड़ी क्यों मिलाता है। उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं टाउन मिल का फोरमैन हूँ, मुझे हर दिन शाम को 5 बजे हुटर बजाना होता है, इसलिए मैं यह पक्का कर लेता हूँ कि वह ठीक समय पर ही बजे। बूढ़े दुकानदार ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। फोरमैन ने पीछे हटकर गुस्से से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है। दुकानदार बोला, बुरा न माने, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझसे हंसी रोकी नहीं गई। देखिए, मैं बरसों से आपको बड़ी घड़ी आपके 5 बजे की होटल से मिलाता आ रहा हूँ। यह कहानी नकल की एक अजीब पहलू का आदर्श उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी नकल करते हैं और हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि हम जिन लोगों की नकल कर रहे हैं उसके पास सही जवाब है। मैं दोहराता हूँ, हम मान बैठते हैं कि हम सही लोगों की नकल कर रहे हैं। ठीक यही होता है। अगर नौकरी करने से पहले हम अच्छी तरह सोच विचार न कर ले कि हमने नौकरी का विकल्प क्यों चुना। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि नौकरी करना ही दौलत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सच्चाई खुद कुछ और है। दरअसल नौकरी से सच्ची दौलत नहीं बनती। नौकरी से तो सिर्फ अस्थायी आमदनी मिलती है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए हम नौकरी की नकल की दोबारा जांच करें। जैसा मैंने पहले कहा था, नकल करना सीखने का सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली साधन है, लेकिन कभी कभार हमें पीछे हटकर अपनी मान्यताओं की पड़ताल करनी चाहिए कि हम किस चीज की नकल कर रहे हैं और क्यों, ताकि नकल करने में हमें सचमुच वही मिले जो हम पाना चाहते हैं। इस पूरे अध्याय में मैंने बार बार यह सवाल पूछा है, हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए। जवाब दुखद लेकिन स्पष्ट है। हम में से ज्यादातर लोग दौलत बनाने के बजाय नौकरी करने के मार्ग की नकल करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों की राय में नौकरी ही उसके आर्थिक सपनों को हकीकत में बदलने का इकलौता तरीका है। शायद वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे विकल्प के बारे में जानते ही नहीं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि दौलत के अन्य स्रोत भी होते हैं, या शायद उन्हें यह लगता है कि वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में सच्ची दौलत बनाने में सक्षम नहीं है। कारण चाहे जो हो, परिणाम वही होता है। ज्यादातर व्यक्ति 5% लोगों की बजाय 95% लोगों की जमात में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे सच्ची दौलत के बजाय अस्थायी आमदनी बनाने और नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या स्थिति है? आप किस चीज की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप उन 95% लोगों जैसे बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं, या फिर आप उन 5% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं
जो दौलत बनाने का मार्ग की नकल कर रहे हैं। गलत मान्यताओं को बाहर निकालें। जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, आपका दिमाग एक पैराशूट जैसा होता है, यह सिर्फ तभी काम करता है जब यह खुला हो। आज यह पहले से भी ज्यादा अनिवार्य है कि हम अपने दिमाग को खोल लें और जागरूक बन जाएं कि नौकरी करना दौलत बनाने का नहीं बल्कि आमदनी कमाने का सिस्टम है। मुझे लगता है कि अगर लोग जैसे तैसे जिंदगी गुजारने के बजाय वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गलत मान्यताओं को बाहर निकालना होगा और दौलत बनाने के वैकल्पिक तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खोलना होगा। मैं मानता हूं कि 95% लोग यानी नौकरी वाले दरवाजे से दाखिल होने वाले लोग हैं वापस लौटकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। बहरहाल मुझे यकीन है कि अगर हम अलग परिणाम पाने और 5% लोगों की जमात में शामिल होने के बारे में वाकई गंभीर हैं तो हमें उन दरवाजों को खोलना होगा जो दौलत बनाने की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम अब आमदनी कमाने और दौलत बनाने के फर्क को ज्यादा गहराई से पड़ताल करेंगे। अगले अध्याय में हम उन कारणों को भी जानेंगे जिनकी वजह से आज सच्ची दौलत बनाना इतिहास के किसी भी युग की तुलना में ज्यादा संभव क्यों है। अध्याय नंबर 2, सच्ची दौलत क्या है। अगर आपको लोगों को बताना पड़े कि आप अमीर हैं तो आप अमीर नहीं हैं। जोई ब्राउन, कॉमेडियन। दौलतमंद होने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है सचमुच दौलतमंद होने का। एक बात तो तय है कि दौलत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए दौलत का मतलब यह नहीं कि मैं मनचाही चीजें खरीद सकूं, हालांकि यह फायदा भी कुछ कम नहीं है। मेरे लिए सच्ची दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। दौलत की मेरी निजी परिभाषा यह है और मेरे विचार से इसमें दौलत के सबसे बड़े फायदे शामिल हैं। दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। क्या आपको लगता है कि अरबपति बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा, या फिर इसलिए क्योंकि वे इसे करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से यह कहना तार्किक है कि बिल गेट्स के पास इतना पैसा और समय है कि वे जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। कारण यह है कि बिल गेट्स ने आमदनी नहीं कमाई है, उन्होंने तो सच्ची दौलत बनाई है। संक्षेप में, सच्ची दौलत का मतलब है स्वतंत्रता। दौलत का मतलब है चुनने की स्वतंत्रता। चक फिनी भी आर्थिक दृष्टि से बिल गेट्स के समूह में ही है। दुनिया भर के हवाई अड्डों में सैकड़ों ड्यूटी फ्री दुकानों के संस्थापक फिनी के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, या ज्यादा सटीकता से कहें तो उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। 1984 में फिनी ने अपनी 3.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति का 99.5% हिस्सा एक परोपकारी संस्था को दान कर दिया। आज वे दुनिया भर में समाज सेवा करने की खातिर अपना पैसा और समय दान कर रहे हैं। बिल गेट्स और चक फिनी दोनों ही यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब होता है यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता कि आप अपना समय और पैसा कैसे खर्च करें। गेट्स ज्यादा दौलत कमाने में समय खर्च करने का विकल्प चुन रहे हैं, जबकि फिनी अपनी संपत्ति दान करने में अपना समय लगा रहे हैं। दोनों में सांझी बात यह है सच्ची दौलत, जिसकी वजह से ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चुनाव कर पाए। अपना समय समझदारी से खर्च करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब है ढेर सारा पैसा जिससे आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकें। बहरहाल सबसे समझदार लोग समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब ज्यादा चीजें खरीदने में सक्षम होना ही नहीं है। इसका असल मतलब है अपनी मनचाही चीजें करने के लिए ज्यादा समय होना। इस बारे में सोचे, जब आप बुढ़ापे में किसी नर्सिंग होम के सामने वाले पोर्च में बैठकर अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? ज्यादा महंगा घर न खरीद पाने का, या अपने बच्चों के बचपन में उनके साथ ज्यादा वक्त न गुजार पाने का? आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए 2400 घंटे काम न करने का, या अपने माता पिता और दोस्तों के साथ ज्यादा समय न बिता पाने का जब उन्हें आपकी जरूरत थी? समय हमारी सबसे कीमती वस्तु है। इसका मोल सोने चांदी से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार जब यह चला जाता है तो आप इसे दोबारा कभी नहीं पा सकते। अगर आपकी कार बर्बाद हो गई तो आप हमेशा दूसरी कार खरीद सकते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपको हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर किसी बुरे निवेश में आपका पैसा डूब जाता है तो आप हमेशा ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी भी सूरत में वह समय दोबारा नहीं पा सकते जिसे आपने बर्बाद कर दिया या गवा दिया। बताएं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। एक बार जब यह चला जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। प्राचीन चीनी कहावत इसे सबसे अच्छी तरह बयान करती है। एक पल का समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी सारी संपत्ति किसी गहरे कुएं में फेंक दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच्ची दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। निसंदेह सच्ची दौलत का सबसे बड़ा फायदा यह चुनने की स्वतंत्रता है कि आप अपना समय कैसे खर्च करें। आमदनी कमाना पैसे के बदले समय का जाल। क्या आप ऐसे मेहनती
डॉक्टर या वकीलों को जानते हैं जो साल भर में $1.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं, क्या वे सच्ची दौलत बना रहे हैं? दौलत की मेरी परिभाषा के हिसाब से जवाब है नहीं। इसका कारण यह है, हालांकि कई ऊंची आमदनी वाले प्रोफेशनल के पास अपनी मनचाही चीज खरीदने और करने के लिए पैसा होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास समय नहीं होता। उन्हें अपने पैसे में मेहनत लगातार करनी पड़ती है हर दिन। दरअसल उन्हें अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए ज्यादा आमदनी की जरूरत होती है, जिसके लिए काम करना उनकी मजबूरी है। जो लोग अपने काम धंधे के जाल में फंसे हैं, वे दरअसल दौलत नहीं बना रहे हैं बल्कि आमदनी कमाने के अंतहीन चक्कर में फंसे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आमदनी कितनी कम या ज्यादा है। आमदनी कमाने का जाल कुछ इस तरह का होता है कि आप अपना समय देकर उसके बदले में डॉलर कमाते हैं। इसका मतलब है कि आपको पैसे तब तक नहीं मिलते जब तक कि आप खुद काम न करें, चाहे कचरा उठाने वाला हो जो $7 प्रति घंटे की न्यूनतम दर से कमाई करता हो, या हृदय रोग विशेषज्ञ हो जो $5,000 प्रति घंटे कमाता हो। वह समय की एक इकाई के बदले में डॉलरों की एक इकाई पा रहा है। आमदनी कमाने वाले सिस्टम में 10 घंटे के काम के बदले 10 घंटों की तनख्वाह मिलती है। दुर्भाग्य से आमदनी कमाने की चक्की अंतहीन है, जिसे लगातार पीसना पड़ता है। इसलिए मैं आमदनी कमाने को पैसे के बदले समय का जाल कहता हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि जब चक्की रुक जाती है तो आमदनी भी रुक जाती है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी बीमार हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं या लंबे समय तक छटनी के शिकार हो जाते हैं या बर्नआउट से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी आमदनी शून्य हो जाती है जब खर्च आमदनी के बराबर होते हैं। आप अमीर प्रोफेशनल पर एक नजर डालकर देखते हैं। हम जॉन स्मिथ MD का नाम देते हैं, जिसकी आमदनी $2.5 लाख है। देखिए, हर लिहाज से $2.5 लाख की सालाना आमदनी काफी ज्यादा होती है, लेकिन जब ऊंचे भुगतान वाले प्रोफेशनल अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए अपनी आमदनी पर निर्भर हो जाते हैं तो वे अनजाने में ही पैसे के बदले समय के जाल में फंस जाते हैं। $2.5 लाख सालाना आमदनी वाले प्रोफेशनल का आम मासिक खर्चा है। कुल आमदनी है उसकी $2.5 लाख, 33% टैक्स चला जाता है $82,500, शुद्ध सालाना आमदनी होती है उसकी $1,67,500 और मासिक आमदनी होती है $14,000, और उसका मासिक खर्च कितना होता है? 2 आलीशान कारों के कर्ज की किस्त $1,000 होती है, झील के सामने वाले बंगले के कर्ज की किस्त $4,000, उसकी बीमा होती है जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कार बीमा $1,500, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों का खर्च $1,500, बाहर खाना खाना मनोरंजन $2,000, हर साल परिवार के साथ दो वेकेशन $1,500, कपड़े आभूषण फर्नीचर $500, चर्च और परोपकार में $500, कंट्री क्लब की फीस $500, बचत होती है $1,000। अल्पकालीन आमदनी का गुलाम। जैसा आप देख सकते हैं, डॉक्टर स्मिथ बेहतरीन जीवन शैली जीते हैं। हम सभी इतने मालदार बनना चाहिए कि बेहतरीन कंट्री क्लब की सदस्यता हासिल कर लें, कोलोरेडो में महंगी स्की वेकेशन का आनंद लें, या फिर कैरेबियन की सुखद क्रूज पर जाएं। यकीनन डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली ऐसी है जिसके हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन वे उस जीवन शैली की बड़ी भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने अपनी खातिर अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, डॉक्टर स्मिथ के पास अल्पकालीन आमदनी तो है, लेकिन उनके पास अपनी मनमर्जी से आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। वे अपनी नौकरी की जंजीर में बंधे हैं क्योंकि अपनी जीवन शैली के गुलाम बन चुके हैं। डॉक्टर स्मिथ को हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, चाहे उसका मन हो या न हो। अगर डॉक्टर स्मिथ नहीं जाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर डॉक्टर स्मिथ को पैसे नहीं मिलेंगे तो घर की किस्त या कार का लोन की किस्त या क्रेडिट कार्ड के बिल्स या प्राइवेट स्कूल की फीस भी नहीं पट पाएगी। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे प्रोफेशनल ऐसमय ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, एक दुर्घटना जो होने का इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, ऊंची तनख्वाह वाले डॉक्टर की क्या हालत होगी अगर उसके हाथों में ऑर्थाइटिस हो जाए और काम छूटने की वजह से वह आमदनी न कमा पाए। अब असल मुद्दे की बात पर आते हैं। आप बताएं, आप कहां होंगे अगर आप काम छूटने की वजह से आमदनी न कमा पाए? ज्यादातर लोगों के लिए यह बहुत बुरा सपना होता है। आमदनी कमाने के साथ यही समस्या है, यह अल्पकालीन होती है। अगर आप काम करना छोड़ देते हैं तो आमदनी भी छूट जाती है, और अगर नौकरी या पैसे के अलावा आपको कहीं से भी आमदनी नहीं होती है तो आप तबाही की ओर बढ़ जाते हैं। बिजनेस वीक मैनेजिंग के अनुसार आम कर्मचारी को मकान खरीदने, छोटी छोटी बचत करने और रिटायरमेंट के लाभ इकट्ठे करने में आधी जिंदगी लग जाती है। यह सब गवाने के लिए सिर्फ 6 महीने की बेरोजगारी ही काफी होती है। भयावह नहीं क्या? रेसिडुअल आमदनी से स्वतंत्रता, क्या यह बेहतरीन नहीं होगा कि आप डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली के भी फायदों का आनंद ले सकें, लेकिन आपको हर दिन काम पर जाने का बंधन न हो, बशर्ते आप न जाना चाहते हो? यह तो सबसे बड़े सपने के सच होने जैसा होगा। सौभाग्य से अल्पकालीन आमदनी के अलावा एक अन्य प्रकार की आमदनी भी
होती है जिसे रेसिडुअल आमदनी कहते हैं। अल्पकालीन आमदनी के विपरीत रेसिडुअल आमदनी तब भी पैसे कमाती है जब आप काम पर नहीं होते हैं। रेसिडुअल आमदनी पैसे के बदले समय का शिकार नहीं होती है क्योंकि यह डॉलर और समय की अदला बदली पर निर्भर नहीं होती। रेसिडुअल आमदनी कैसे कमाई जाती है, इसके लिए हम एक और काल्पनिक प्रोफेशनल पर नजर डालते हैं। हम उन्हें जो जोन्स सीपीए नाम देते हैं। डॉक्टर स्मिथ की तरह ही मिस्टर जोन्स की प्रैक्टिस भी जमकर चलती थी, लेकिन डॉक्टर स्मिथ के विपरीत मिस्टर जोन्स रेसिडुअल आमदनी की सती से पूरी तरह वाकिफ थे। अपने समर्थ करियर के अंतिम 40 साल में मिस्टर जोन्स ने अपनी कुल आमदनी का 10% बचाया और समझदारी से उसका निवेश किया। अब वे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी मिस्टर जोन्स के $1.5 million म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं, जो हर साल 10% कमा रहे हैं। उन्हें डॉक्टर स्मिथ की अल्पकालीन आमदनी के बराबर रेसिडुअल आमदनी हो जाती है, $1.5 million। हालांकि आमदनी समान है, लेकिन इसे कमाने के तरीके में बहुत फर्क है। आपको अल्पकालीन आमदनी और रेसिडुअल आमदनी में डिफरेंस बताते हैं। आप अल्पकालीन आमदनी, आप डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं, और रेसिडुअल आमदनी में आप अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। अल्पकालीन आमदनी में पैसे सामान्य गति से बढ़ते हैं, जबकि रेसिडुअल आमदनी में पैसे तीव्र घातांकीय गति से बढ़ता है। अल्पकालीन आमदनी में अगर आप विकलांग हो जाएं तो आमदनी बंद हो जाती है, जबकि रेसिडुअल आमदनी में अनंत काल तक जारी रहती है। आप सच्ची दौलत नहीं बना सकते, और रेसिडुअल आमदनी में आप सच्ची दौलत बना रहे हैं। अल्पकालीन आमदनी समय आपके काबू में नहीं है, जबकि रेसिडुअल आमदनी में समय की पूरी स्वतंत्रता है। अल्पकालीन आमदनी में आप बस घिसट कर चल रहे हैं, जबकि रेसिडुअल आमदनी में आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी आमदनी पाना चाहेंगे, अल्पकालीन आमदनी या फिर रेसिडुअल आमदनी? जवाब स्पष्ट है, सच्ची दौलत बनाना। दौलत बनाना आमदनी कमाने के विपरीत है। यह पैसे के बदले समय के जाल से भिन्न है। इसकी वजह है लीवरेज नामक अवधारणा। सच्ची दौलत बनाने का इकलौता तरीका है अपने समय, पैसे और प्रयासों की लीवरेजिंग करना, ताकि 10 घंटे के काम के बदले में 100 घंटे तथा यहाँ तक कि 1000 घंटे का भुगतान मिले। आपने देखा, अमीर लोग ज्यादा अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अपने पैसे के लंबे समय तक निवेश करके लीवरेजिंग का फायदा उठाते हैं। जैसा मैंने अपनी दूसरी पुस्तक यू कांट स्टील सेकंड विद योर फुल ओन फर्स्ट में बताया है, आप मिलियनर बरसों तक अपनी 20% आमदनी बचाकर समझदारी से उसका निवेश करके अपनी दौलत कमाता है। अमीर लोग इसी तरह अमीर बनते हैं और बने रहते हैं, लंबे समय तक निवेश करके अपने पैसे से अपने लिए काम करवाकर। आमदनी कमाने और दौलत बनाने में बड़ा फर्क होता है। आमदनी कमाना अल्पकालीन है, आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि काम बंद तो आमदनी बंद। दौलत बनाना स्थायी है, आप पैसे के बदले समय के जाल से बच जाते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे और समय दोनों से अपने लिए काम करवाते हैं। अपने समय की लीवरेजिंग करना। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप बहुत कम लोगों के पास मिस्टर जोन्स जितना पैसा आता है, या वे इतने अनुशासित होते हैं जिससे वे अपनी मासिक बचत की लीवरेजिंग करके $1.5 million बना सके। सौभाग्य से पैसे की लीवरेजिंग ही सच्ची दौलत बनाने का एकमात्र अचूक और सच्चा तरीका नहीं है। सच्ची दौलत बनाने का दूसरा तरीका अपने समय की लीवरेजिंग करना है। इसका मतलब है समय बर्बाद करने के बजाय इसका निवेश करना। पुरानी कहावत है, समय ही धन है। देखिए, लीवरेजिंग की शक्ति की वजह से आज यह कहावत पहले से ज्यादा सच है। एक बात तो तय है, हम सभी के पास एक बराबर पैसा नहीं है, लेकिन यह बात भी उतनी ही तय है, हम सभी के पास एक बराबर समय है। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ ले कि यह पुस्तक दौलत बनाने के लिए आपसे पैसों का निवेश करने के बारे में नहीं कहती, यह तो दौलत बनाने के लिए आपके समय में का निवेश करने के बारे में है। कारण स्पष्ट है, सही तरीके से लगाया गया समय पैसे जितना ही मूल्यवान होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति बिलियनर है या भिखारी, हम सभी के पास एक बराबर समय होता है। एक दिन में 24 घंटे, एक हफ्ते में 168 घंटे, एक महीने में 672 घंटे, एक साल में 8064 घंटे। दौलत बनाने की कुंजी ज्यादा समय उत्पन्न करना नहीं है, क्योंकि यह तो असंभव है। कुंजी तो अपने पास मौजूदा समय का पूरा फायदा उठाना है। बताइए, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? आज सच्ची दौलत बनाने के लिए सिर्फ पैसे की लीवरेजिंग ही इकलौता तरीका नहीं है। हम सभी खुशकिस्मत हैं कि सच्ची दौलत बनाने के लिए समय की लीवरेजिंग करने का तरीका भी मौजूद है। तो भाग्य से आज लीवरेजिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप थोड़ा सा अलग समय लगाकर ढेर सारे डॉलर कमा सकते हैं, बजाय सामान्य सिस्टम के जिसमें आप ढेर सारा समय लगाकर थोड़े से डॉलर कमाते हैं। सौभाग्य से आज आपके समय और प्रयासों की लीवरेजिंग करने का एक सरल अनुकरणीय सिस्टम है जिसकी नकल कर हर व्यक्ति कर सकता है। क्या आप गलत सिस्टम की नकल कर रहे हैं? आइए इस बात को स्वीकार कर लें कि हम में से ज्यादातर लोगों का सरनेम ड्यूपोंट या रॉकफेलर नहीं है, यानी हम बहुत अमीर नहीं है। हम बिल गेट और चक इनी जैसे पैदाइशी जीनियस नहीं है, और हमारे पास टाइगर वुड्स और एंजेलिना जोली जैसी प्रतिभा भी नहीं है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी की लॉटरी जीतने से ही दौलत बन सकती है, यह सिर्फ बेहद गुणी लोगों के लिए संभव है या बहुत खुशकिस्मत लोगों के लिए, लेकिन यह यकीनन आपके और मेरे पास और मेरे जैसे आम लोगों के लिए संभव नहीं है। यह बकवास है, हमें इस सीमित सोच से कतई सहमत नहीं होना चाहिए। यह कूड़ा चिंतन है, और हमें इस तरह के नकारात्मक विचारों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए फौरन। हकीकत तो यह है, ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि वे दौलत नहीं बना सकते, जबकि दरअसल में वे बना सकते।
करते हैं। ज्यादातर लोगों के दौलतमंद न बन पाने के कारण असली कारण यह है कि उन्हें कभी दौलत बनाने वाले ऐसे सिस्टम की जानकारी नहीं मिली जिसकी वे नकल कर सके। दूसरे शब्दों में हम में से ज्यादातर ने गलत योजना की नकल कर ली, क्योंकि हमें दौलत बनाने वाली योजना की नकल जानकारी ही नहीं है जिसकी हम नकल कर सके। इसलिए हम उस चीज की नकल कर लेते हैं जिसे हमारी जान पहचान का हर व्यक्ति कर रहा है, यानी हम नौकरी करने लगते हैं, हम वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और परिणाम स्वरूप हमें वही मिलता है जो ज्यादातर लोगों को मिलता है। नौकरी बुरी नहीं होती। मेहरबानी करके ये समझ ले कि मैं नौकरियों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नौकरी से मिलने वाले परिणाम को बुरा कह रहा हूँ। अगर नौकरी करने से सच्ची दौलत बनती होती तो मैं सबसे पहले आपको नौकरी की राह पर चलने की सलाह देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही इसकी कठोर और कट्टु सच्चाई है। सामान्य वर्दी के बजाय तीव्र घातांकीय वर्दी की नकल करें। सच्चाई यह है कि आप आमदनी कमाने वाले सिस्टम की नकल करके कभी सच्ची दौलत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यह सामान्य वर्दी पर आधारित होती है। सच्ची दौलत बनाने का सिस्टम लीवरेज ग्रोथ पर आधारित होता है। अगले अध्याय में हम सामान्य वर्दी की सीमाओं को गौर से देखेंगे। हम इस बारे में भी बातचीत करेंगे कि अगर हम सच्ची दौलत बनाकर पूरी तरह स्वतंत्र होने के बारे में सचमुच गंभीर हैं, तो हमें लीवरेजिंग सिस्टम की नकल करने की जरूरत क्यों है। अध्याय नंबर 3, सामान्य बुद्धि, पैसे के बदले समय देना। सारा दिन काम करो, घास पर जियो, जब तुम मरते हो तो स्वर्ग नहीं जाते हो। जो हिल। पहले मैं अपने सेमिनार में लोगों को बताता था कि ज्यादातर कर्मचारी 40-40-40 योजना पर चलते हैं। वे हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, 40 साल तक काम करते हैं और रिटायरमेंट होते वक्त उन्हें डिनर के साथ $40 की घड़ी मिलती है। लेकिन हमारी तेजी से बदलती दुनिया में बहुत सी चीजों की तरह ही 40-40-40 की योजना भी दकियानुसी की हो गई। आज हम में से ज्यादातर लोग 50-50-50 योजना पर चलने लगे हैं। आजकल हम हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, साल में 50 हफ्ते काम करते हैं, 50 साल तक ऐसे करते हैं और रिटायरमेंट होने पर हमें अपने वेतन का 50% हिस्सा मिलता है, जिस पर हम आज भी गुजारा नहीं कर पाते। पैसे के बदले समय की चक्की। 50-50 की योजना आमदनी कमाने का आदर्श उदाहरण है, क्योंकि यह सामान्य वर्दी पर आधारित होती है। सामान्य वर्दी वाली आमदनी की गणना बड़ी सरल है। प्रति घंटे तनख्वाह गुणा घंटे के काम के घंटे बराबर आमदनी। सामान्य वर्दी की परिभाषा है काम के अनुपात में परिणाम। सामान्य शब्दावली में इसका मतलब यह है कि आम जितना भीतर डालते हैं आपको उतना ही मिलता है, न उससे कम न उससे ज्यादा। सामान्य आमदनी में समय की एक इकाई के बदले में पैसे की एक इकाई मिलती है। इसका मतलब यह है कि सामान्य वर्दी पर आधारित आमदनी बढ़ाने का एकमात्र तरीका ज्यादा घंटे काम करना है या फिर प्रति घंटे तनख्वाह बढ़ाना है। देखिए, पहली नजर में सामान्य वर्दी वाली आमदनी काफी तर्कसंगत लगती है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जिन्हें प्रति घंटे अच्छी रकम मिलती है और जो ज्यादा घंटे काम करना चाहते हैं। लेकिन सामान्य वर्दी की आमदनी वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी आमदनी की एक ऊपरी सीमा हमेशा रहेगी, भले ही उसकी प्रति घंटे आमदनी कितनी ही ज्यादा हो। पेंटर और प्रोफेशनल सामान्य वर्दी की सीमाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। आइए दो बहुत अलग अलग व्यवसायों के मेरे दो परिचितों पर नजर डालते हैं। इनमें से एक पेंट करने के बिजनेस में और दूसरा है डॉक्टर। पेंटर का नाम गैरी है, वह एक छोटे से पेंटिंग और वॉलपेपरिंग बिजनेस का मालिक है। वह क्लियर वाटर फ्लोरिडा में मेरे घर के पास रहता है। गैरी कड़ी मेहनत करता है, वह सुबह जल्दी ही काम में जुट जाता है और अंधेरा होने तक लगातार काम करता रहता है। संभव होने पर वह वीकेंड में भी काम करता है। गैरी के काम करने की दर $30 प्रति घंटे है, लेकिन यात्रा के समय खर्च, बीमे, टैक्स आदि का खर्च निकालने के बाद उसके भुगतान की वास्तविक दर शायद $20 प्रति घंटे के करीब है। अगर खुशकिस्मती से गैरी हर दिन 10 घंटे काम करे और सप्ताह के 6 दिन काम करता है तो एक साल में उसकी कमाई गई आमदनी $60,000 होती है। देखिए, $60,000 की रकम कम नहीं होती। बहुत से लोग एक साल में $60,000 कमाना चाहेंगे, लेकिन गैरी एक साल में इससे ज्यादा कभी नहीं कमा सकता, और वह भी तब जब एक के बाद एक अच्छा काम लगातार मिलता रहे। अब जरा यह भी देखें कि गैरी अपने बेहतरीन साल की कितनी कीमत चुकाता है। यह सप्ताह में सिर्फ एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह पाता है। वह साल में कभी $60,000 से ज्यादा नहीं कमा पाएगा, चाहे वह कितनी ही कड़ी मेहनत कर ले। वह शायद ही कभी काम के बीच छुट्टी लेता है, अगर लेता भी है तो इतना थका मंदा होता है कि इसका आनंद नहीं ले पाता। सामान्य वर्दी पर आधारित आमदनी की खातिर काम करने का सबसे बुरा पहलू यह है कि गैरी को अपने काम का भुगतान सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसका मतलब यह है कि आखिरी चेक मिलने के बाद वह दोबारा पैसे के बदले समय की चक्की चलाने लगता है। प्रोफेशनल ज्यादा आमदनी वाले हाउस पेंटर से अधिक नहीं है। अब आइए जॉन स्मिथ की जिंदगी पर दोबारा नजर डालते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस से साल भर में $2.5 लाख कमाते हैं। डॉक्टर स्मिथ जनरल प्रैक्टिशनर हैं और प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करते हैं। उनके यहाँ 4 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 2 रजिस्टर्ड नर्स हैं। बहरहाल डॉक्टर स्मिथ को मरीजों को खुद देखना होता है, लेकिन वे दिन में 8 घंटे काम
काम करते हैं और सप्ताह में 6 दिन मरीजों को देखते हैं। इसके अलावा कागजी कामों को निपटाने में हर दिन 2 घंटे का वक्त चला जाता है और हर महीने 2 रविवार बिजनेस संबंधी मामलों में लग जाते हैं। डॉक्टर स्मिथ के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का एक ही रास्ता है, अपने काम के घंटे बढ़ाना, लेकिन वे पहले ही दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, इसलिए घर पहुंचने तक वे इतने ज्यादा थक जाते हैं कि होमवर्क में बच्चों की मदद नहीं कर सकते, उनके फुटबॉल मैच देखने नहीं जा सकते और वे अपने काम के घंटे को बढ़ा ही नहीं सकते, अपनी नौकरी के गुलाम। सच है कि डॉक्टर स्मिथ बहुत सारा पैसा बनाते हैं, लेकिन इसकी कीमत यह है कि वे POW यानी काम के कैदी हैं। वे खुद को जाल में फंसा महसूस करते हैं, वे कुंठित, नाराज और दुखी हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस बारे में क्या करें, इसलिए वे चक्की पीसते रहते हैं, डॉलर पाने की खातिर अपना समय देते रहते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि वे हालात कभी न कभी तो सुधरेंगे। हालांकि अपने दिल से में वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। सामान्य वर्दी पर आधारित आमदनी के साथ यही दिक्कत है, अगर आप खुद काम नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं हो पाता, अगर आप काम नहीं हो पाता है तो आपको भुगतान भी नहीं मिलता है और भुगतान पाने का इकलौता तरीका काम को बार बार करते रहना है। भगवान न करे कि यह पेंटर और डॉक्टर कभी बीमार पड़े या घायल हो, जिसकी वजह से वह काम न कर पाए। आपकी चक्की कितने पैसे देती है? आपकी क्या स्थिति है? क्या आप भी पैसे के बदले समय की चक्की में फंसे हुए हैं? अगर ऐसा है तो आपकी चक्की आपको कितने पैसे देती है? आगे व्यवसायों और उनकी औसत सालाना तनख्वाह की सूची दी गई है, जिसे परेड मैगजीन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में प्रकाशित किया था। जरा देखें कि दूसरे व्यवसाय की तुलना में आपकी सालाना आमदनी कितनी है। 2008 में अमेरिका में नौकरियों की आम तनख्वाह, पैसा और सालाना तनख्वाह, अस्पताल का कर्मचारी $21,000, हाई स्कूल टीचर $46,500, कंपनी का वकील $91,500, सेक्रेटरी $29,000, सेल्स क्लर्क $91,000, सेल्स क्लर्क $21,500, अमेरिका का राष्ट्रपति $4,00,000, अखबार का संवाददाता $38,500, ट्रेवल एजेंट $30,000, डॉक्टर $144,000, पादरी $42,000, अकाउंटेंट $44,500। अमेरिका में परिवार की औसत आमदनी $48,000 है। क्या आपको यह जानकर हैरानी हुई कि देश की दूसरी नौकरियों की आमदनी की तुलना में आपकी आमदनी कितनी कम है? देखिए, आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी जब आप अपनी सालाना आमदनी की तुलना किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के भुगतान से करेंगे। गौर करें कि 2008 में सीईओ की तनख्वाह आम कर्मचारियों की तनख्वाह की तुलना में कितनी थी? $10.5 बिलियन थी सीईओ की तनख्वाह और कर्मचारी की तनख्वाह थी $10-35,000। अनुपात जो है वो 300:1 है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि कंपनी के एक व्यक्ति का मूल्य तो $10.5 मिलियन हो, जबकि उसी कंपनी के सामान्य कर्मचारी का मूल्य सिर्फ $30,000 हो? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? लीवरेज से पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ना। मैं एक ही शब्द में आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लीवरेज। देखिए, जब आम कर्मचारी डॉलर की खातिर समय की अदला बदली करता है तो उसकी आमदनी सामान्य तरीके से बढ़ रही है। इस मामले में समय की एक इकाई धन की एक इकाई के बराबर होती है। कर्मचारी की आमदनी उसी के 100% कोशिशों का नतीजा है। दूसरी ओर सीईओ अपने कर्मचारियों के माध्यम से अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग करता है। अपनी 100% कोशिशों के बजाय वह अपने सभी कर्मचारियों की 1% हिस्सा कमाता है। जे पॉल गेटी का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था, मैं अपनी 100% कोशिशों के बजाय 100 व्यक्तियों की कोशिशों का 1% कमाना चाहूंगा। इसलिए लीवरेजिंग में इतना दम है, आप पूरे समूह की कोशिशों का थोड़ा सा हिस्सा कमाते हैं। हर्षीज कैंडी बार इसका आदर्श उदाहरण है। प्रत्येक हर्षीज कैंडी बार पर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 1-2 पेनी का शुद्ध मुनाफा होता था, लेकिन हर साल दुनिया भर में अरबों हर्षीज बार्स बिकती हैं। इसलिए हर्षीज कैंडी बार बनाने वाली मार्स इंक कंपनी को हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा होता है और इसलिए उसके सीईओ की आमदनी भारी भरकम होती है। सन्यासी और चैन सो, लीवरेजिंग की अवधारणा सन्यासी और चैन सो की कहानी जैसी है। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी अपनी पहाड़ी गुफा से उतरकर स्थानीय हार्डवेयर स्टोर में एक चैन सो, लकड़ी काटने वाली आरी खरीदने आया। सन्यासी ने युवा सेल्स क्लर्क से गर्व से कहा, अब मैं अपनी गुफा में नहीं रहना चाहता, मैं अपने लिए लकड़ी का एक नया घर बनाना चाहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी आरी चाहिए, कीमत चाहे जो। युवा सेल्स क्लर्क एक पल के लिए वेयर हाउस में गया और एक नई चमचमाती हुई चैन सो लेकर आया। उसने पूरे यकीन के साथ सन्यासी को बताया, यह बाजार में मिलने वाली सबसे अच्छी चैन सो है, इससे पेड़ उतनी ही आसानी से चीर जाएंगे जितनी आसानी से चाकू बटर को चीर देता है। मैं गारंटी देता हूँ कि यह महीने भर की लकड़ी एक ही दिन में काट देगी, वरना मैं अपनी तनख्वाह में से आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। यह सुनकर सन्यासी खुश हो गया। उसने क्लर्क को पैसे दिए और चमचमाती चैन सो का हैंडल पकड़ा और पहाड़ की ओर चल दिया। ठीक एक महीने बाद जब युवा क्लर्क शेल्फ पर सामान जमा रहा था, तभी उसने सन्यासी की आवाज़ सुनी जो हवा को कोड़े की तरह चीरती हुई आई थी। बेटा, मैं यह सो लौटाने आया हूँ, तुमने वादा किया था कि तुम मेरा पूरा पैसा लौटा दोगे, अब अपना वादा पूरा करो। क्लर्क ने बूढ़े सन्यासी को गौर से देखा, उसका हुलिया देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सन्यासी कई हफ्तों से नहीं सोया था, उसके कपड़े फट गए थे और खून पसीने से लथपथे। ऐसा नजर आ रहा था जैसे मेहनत कर करके वह मौत के मुंह में पहुंच गया हो। क्लर्क ने हकलाते हुए पूछा, आपको क्या हुआ, आपकी हालत तो भयंकर दिख रही है। बूढ़े सन्यासी ने अपनी पूरी ताकत बतौरी और चैन सो को उठाकर काउंटर पर रखते हुए कहा, यह सब इसी घटिया आरी का नतीजा है जो तुमने मुझे बेची थी। तुमने कहा था कि यह एक महीने की लकड़ी
एक ही दिन में काट देगी, मगर देखो क्या हुआ, मैं एक महीने से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस दौरान मैं एक दिन की एक लकड़ी भी नहीं काट पाया, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हैरान कलर्क ने माफी मांगते हुए कहा, बिल्कुल मैं आपका अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, बस मैं चेन सो की जांच करके देख लूं, शायद मैं पता लगा सकूं गड़बड़ क्या है। कलर्क ने पुल रोप को जोर से खींचा और चेन सो की तेज आवाज दुकान में गूंजने लगी। सन्यासी काउंटर से उछल कर पीछे पहुंच गया, जैसे उसे किसी ने गोली मार दी है। वह जमकर चिल्लाया, ये कैसी आवाज है? लीवरेजिंग के बारे में सबक, क्या आप ऐसी चेन सो से पेड़ काटने की कोशिश करने की कल्पना कर सकते हैं जिसे चालू ही नहीं किया गया हो? कोई हैरानी नहीं कि सन्यासी का हुलिया और हालत खराब थी। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि लीवरेजिंग एक जबरदस्त साधन है, लेकिन सिर्फ तभी जब इसका सही इस्तेमाल किया जाए। चेन सो समय और मेहनत की लीवरेजिंग का बेहतरीन साधन है। अगर आपने कभी हैंडल सो से किसी बड़े पेड़ के तने को काटने की कोशिश की हो तो आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझ जाएंगे। विडंबना यह है कि सन्यासी के हाथों में लीवरेजिंग का एक शक्तिशाली साधन था, उसे तो बस इसके इस्तेमाल का तरीका मालूम नहीं था। दूसरे शब्दों में वह योग्यता या कोशिश की कमी के कारण असफल नहीं हुआ था, वह तो ज्ञान की कमी के कारण असफल हुआ था। यह आम आदमी के बारे में भी कहा जा सकता है। लीवरेज की शक्ति के माध्यम से हम थोड़े से समय और थोड़ी सी मेहनत से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हम दरअसल महीने भर की लकड़ी एक दिन में काट सकते हैं, लेकिन लीवरेज का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें अपने मौजूदा ज्ञान का होना चाहिए, वरना हमारा हाल भी सन्यासी जैसा ही होगा। हम डॉलर की खातिर समय की अदला बदली करके आगे निकलने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने प्रयास और समय की लीवरेजिंग नहीं करेंगे, यह तो काम करने का स्मार्ट तरीका नहीं है। क्या 65 साल की उम्र तक आप आम आदमी इसलिए मर जाएगा, कड़का रहेगा, या अपनी रोजी रोटी के लिए देश, परिवार और चर्च पर निर्भर रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग लीवरेजिंग वाली योजना के बजाय सामान्य योजना की नकल कर रहे हैं। ज्ञान पहला कदम है। सही स्थिति में सही समय के लीवरेजिंग की नकल करके हम पहाड़ हिला सकते हैं और मिलियनों डॉलर कमा सकते हैं। सवाल यह है, आप दौलत बनने के किस सिस्टम की नकल करना चाहते हैं? क्या आप दौलत बनाने के सामान्य सिस्टम की नकल करना चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि आपका हाल भी उसी बूढ़े सन्यासी जैसा हो? क्या आप भी बहुत कम फायदे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, या फिर आप युवा कलर्क जैसा बनना चाहेंगे और लीवरेज की चेन सो को चालू करने का तरीका सिखाना चाहेंगे? ये आप अगले अध्याय में सीखेंगे। आप वहाँ आपको ऐसे अजमाए हुए तरीके मिलेंगे जिनसे हम अपने समय और मेहनत की लीवरेजिंग कर सकते हैं। इन तरीकों की बदौलत हम पैसे के बदले समय के जाल से बाहर निकल सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और वह आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। अध्याय नंबर 4, लीवरेज वाली वर्दी। ज्यादा कड़ी नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट मेहनत करना है। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। असल सवाल तो यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। अगस्त 1888 में अटलांटा के एक केमिस्ट आशा कैंडलर ने $2300 नगद भुगतान करके कोका कोला नामक कार्बोनेट फाउंटेन ड्रिंक के संपूर्ण अधिकार खरीद लिए। कोका कोला अटलांटा इलाके में फौरन सफल हो गया। 19वीं सदी के अंत तक दक्षिण के हर ड्रग स्टोर में एक फाउंटेन होता था जहां बैठकर ग्राहक 5 सेंट में ठंडा कोक पी सकता था। फिर कैंडलर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने कोका कोला को एक छोटी सी क्षेत्रीय कंपनी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया। कैंडलर ने यह फैसला किया कि उनकी कंपनी लीवरेजिंग के एक अनूठे रूप का इस्तेमाल करके कम समय और कोशिश से ज्यादा पैसा बनाएगी। लीवरेज का यह अनूठा रूप था बॉटलिंग, कोका कोला की अंतरराष्ट्रीय सफलता का राज। कोक को बोतल में बेचने के कैंडलर के निर्णय के पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि एक दिन कैंडलर का एक अच्छा दोस्त उनके ऑफिस में आया, उनसे दावा किया कि अगर कैंडलर उसे एक मोटी रकम दे तो वह उन्हें एक ऐसा राज बता सकता है जिसमें कोका कोला के मुनाफे में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोनों ने दिन भर काफी मोल भाव हुआ। आखिरकार कैंडलर की जिज्ञासा ने जवाब दे दिया और उन्होंने अपने दोस्त के नाम एक चेक काट दिया। दोस्त ने चेक लिया और आगे झुककर कैंडलर के कान में दो शब्द कहे जिनसे एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड का जन्म हुआ, बॉटल इट, इसे बोतल में बेचो। सौभाग्य से कैंडलर इतने समझदार थे कि उन्होंने अपने दोस्त की सलाह पर अमल कर लिया और बाकी इतिहास है। समय और जगह की लीवरेजिंग, बोतल इट। एक पल के लिए जरा इन शब्दों की शक्ति के बारे में सोचें। बोतल में आने से पहले कोक पीने के लिए आपको अपने करीबी सोडा फाउंटेन जाना पड़ता था, इसके बिना और कोई उपाय ही नहीं था। बोतल में आने से पहले कोक की बिक्री तभी बढ़ सकती थी जब सोडा फाउंटेन की संख्या बढ़े। बोटलिंग से यह सब बदल गया। अब कोक का स्वाद लेने के लिए ग्राहकों को सोडा फाउंटेन की जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि कोक का 6-पैक खरीदकर आज ग्राहक सोडा फाउंटेन को अपने साथ घर ले जाता है। नतीजा यह है कि दुनिया का लगभग हर व्यक्ति अपने घर में आराम से बैठकर कोका कोला की ताजगी भरे पेय का आनंद ले सकता है, चाहे दिन हो या रात हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोका कोला
कंपनी में इतनी समझदारी थी कि उसने अपना प्रोडक्ट बोतल में बेचकर समय, प्रयास और जगह की लीवरेजिंग की। लीवरेज क्या है? लीवरेज शब्द लीवर से बना है, जो एक पुराने फ्रेंच शब्द से आया है, जिसका मतलब है ज्यादा हल्का बनाना। यह लीवरेज की शक्ति का सटीक वर्णन है। कुछ लीवर्स और औजारों का समझदारी से उपयोग करके मुश्किल काम कम कोशिश से कम समय में किए जा सकते हैं, जिससे वे वाकई ज्यादा हल्के हो जाते हैं। जरा सोचिए, लीवरेज के बिना कार का इंजन बदलने में कितनी मेहनत लगेगी? आपको क्या लगता है, अपनी कार के इंजन को बाहर निकालने के लिए कितने मजदूर लोगों की जरूरत होगी? 5 या 10 या इससे ज्यादा? अब जरा इस पर गौर करें कि आप अपना कार मैकेनिक उसी काम को कितने कम समय और कितनी कम कोशिश से कर देता है। पहले तो वह इंजन के ऊपर एक मजबूत बीम पर होइट्स को सही जगह पर रखेगा, फिर होइट्स की रस्सियों और जंजीरों से इंजन को बांधेगा। उसके बाद वह पुल रोप को बिजली से चलने वाली मशीन से जोड़ देगा। शीर्ष दबाने ते ही इंजन चंद पलों में हवा में उड़ जाता है। यह लीवरेज की शक्ति है। यह समय, प्रयास और पैसे बचाकर अधिकतम उत्पादकता को संभव बनाता है। कॉरपोरेशन किस तरह लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं? लीवरेज का इस्तेमाल करके सदियों से मेहनती लोग अपने कामों को ज्यादा हल्का बना रहे हैं, यानी ज्यादा लाभकारी और उत्पादक बना रहे हैं। उत्पादकता में वृद्धि का यही मतलब है ज्यादा मेहनत के बजाय ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना, ऐसा तरीका खोजना जिससे काफी कम समय में ज्यादा पैसा बनाया जा सके। कर्मचारी को नौकरी पर रखना सबसे स्पष्ट तरीका है, जिससे बिजनेस मालिक अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी से लेकर सोनी तक दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी एक अकेले मालिक से शुरू हुई, जिसने कर्मचारियों के माध्यम से अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग की। मिसाल के तौर पर, अगर हेनरी फोर्ड अकेले ही मॉडल टी कार बनाते तो लगभग 100% मुनाफा उन्हीं की जेब में जाता, लेकिन वे जानते थे कि अकेले काम करने पर वे एक साल में 1-2 कार ही बना पाएंगे। फोर्ड इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने समय और योग्यता की लीवरेजिंग करके कर्मचारियों को अपने सिस्टम की नकल करना सिखाया। लीवरेजिंग की शक्ति से फायदा उठाते हुए फोर्ड ने हर साल हजारों कारें बनाई, इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। रियल इस्टेट बेचने में स्मार्ट बनना। रियल इस्टेट कंपनियां बरसों से लीवरेजिंग करके फायदा उठा रही हैं, लेकिन कर्मचारियों के बजाय वे स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम बनाकर लीवरेजिंग करती हैं। आइए देखते हैं ट्रेड नामक काल्पनिक रियल इस्टेट प्रोफेशनल कम समय में ज्यादा पैसे बनाने के लिए लीवरेजिंग का किस तरह इस्तेमाल करता है। ट्रेड लगभग 20 साल से रियल इस्टेट बेच रहा था। शुरुआत में किस्मत अच्छी रही, पर वह हर महीने एक घर बेचने में कामयाब हो जाता था। अनुभव बढ़ने के साथ साथ टेड अपने काम में माहिर होता चला गया। इस बिजनेस से 5 साल के बाद वह हर साल औसतन 5 मकान बेचने लगा, लेकिन हर साल 50 मकान बेचने लगा। लेकिन चाहे टेड कितनी भी कड़ी मेहनत करता, उसके लिए हर सप्ताह 1 से ज्यादा मकान बेचना संभव था ही नहीं। आखिर वह ग्राहकों को एक दिन में कितना मकान दिखा सकता था? वह एक सप्ताह में ग्राहकों के साथ कितने सौदे पक्के कर सकता था? यही सोचकर उसने एक ऑफिस खोलने का फैसला किया। टेड ने अपने कुछ रियल्टर मित्रों को अपनी कंपनी में नियुक्त कर लिया। वे उसके लिए काम करने लगे। अब तक उसकी कंपनी में 20 रियल इस्टेट एजेंट आ चुके थे। इनमें से हर एजेंट हर साल 50 मकान बेचता था, जिसका मतलब है कि उसकी ऑफिस हर साल 1000 मकान बेच रहा था। अब जरा गौर करें कि लीवरेज ने टेड को कितना फायदा पहुंचाया। अपने दम पर टेड साल में 50 मकान ही बेच सकता था। दूसरे एजेंट के समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग करके वह 1000 मकान बेच सकता था, जो अकेले काम करने पर असंभव होता है। लीवरेजिंग का इस्तेमाल करके वह 20 गुना ज्यादा परिणाम पा सकता है। हालांकि वह कम घंटे काम कर रहा था, मेहनत से नहीं चतुराई से काम करो कहावत का यही मतलब है। फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से लीवरेजिंग। फ्रेंचाइजिंग ने लीवरेजिंग की अवधारणा को रियल इस्टेट ऑफिस से भी ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। हालांकि फ्रेंचाइजिंग काफी समय पहले हमारे बीच मौजूद थी, लेकिन 1950 के दशक तक इसे वैध व्यवसाय के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। फ्रेंचाइजिंग का सितारा तब चमका जब रे कोर्क नामक मिल्क शेक अप्लायंस सेल्समैन ने मैकडोनल्ड्स नामक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदे। ध्यान रहे, रे कोर्क ने फ्रेंचाइजी का आविष्कार नहीं किया था, अलबत्ता उन्होंने इस आदर्श जरूर बनाया। कोर्क यह बात अच्छी तरह समझते थे कि सफल फ्रेंचाइजिंग की कुंजी है नकल, इसलिए उन्होंने एक त्रुटिहीन रहित सिस्टम बनाया जिसमें सफल फ्रेंचाइजी का छोटे से छोटा विवरण भी लिखा था। इस दिशा में वे इतने दूर तक गए कि उन्होंने आदर्श फ्रेंचाइजी संबंधी शोध पर $30 लाख खर्च कर डाले। परिणाम यह हुआ कि मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी खरीदने वाले का काम आसान बन गया। उसे तो बस बिंदुओं को आपस में जोड़ना भरता। यह नकलची का सपकार सपन था। इस बारे में सोचे, जब आप किसी मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी में दाखिल होते हैं तो फ्रेंचाइज मशीन कहाँ रखी रहती है? बाएं तरफ है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रेंचाइजी इहाड़ों के मास्को में है या रूस के मॉस्को में। फ्रेंच फ्राइज मशीन हमेशा बाएं तरफ रखी रहती है। और इस बात पर भी यकीन कर ले कि बाकी हर विवरण भी लिखा रहता है सही जगह रहता है। डुप्लीकेशन सफल फ्रेंचाइजिंग की कुंजी। फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा
इतनी कारगर इसलिए है क्योंकि यह बहुत सरल है, बेहद सरल। यह आदर्श जीत स्थिति होती है जिसमें फ्रेंचाइजी देने और लेने दोनों को ही फायदा होता है। प्रयोग और अनुभव के बाद जब कोई डॉक्टर या आवश्यक सेवा अच्छी तरह सफल हो जाता है तभी उसका फ्रेंचाइजी दिया जाता है। फ्रेंचाइजी देने वाला अपने प्रोडक्ट और सेवा प्रदान करने का एक आदर्श बिजनेस मॉडल तैयार करता है जिसकी नकल बड़ी आसानी से की जा सकती है। सफल फ्रेंचाइजर बनने की कुंजी है एक सफल सिस्टम तैयार करना और फिर विस्तार से लिखना कि किन चीजों को करने की जरूरत है, तभी यह मॉडल दूसरे लोगों को सिखाया जा सकता है। अगर मॉडल आजमाया हुआ है तो आम आदमी उसकी नकल कर सकता है, तभी फ्रेंचाइजिंग सफल हो सकती है। बहरहाल अगर मॉडल की सफलता लाखों करोड़ों में एक सितारे की प्रतिभा पर निर्भर है तो फ्रेंचाइजिंग सफल नहीं हो सकती क्योंकि उस सितारे की नकल नहीं की जा सकती। सितारों का डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। अभिनेता टॉम क्रूज एक फिल्म के $2 करोड़ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वे बेजोड़ सितारे हैं। हॉलीवुड की शब्दावली में कहें तो बेकेबल, यानी जिस उनकी बदौलत जबरदस्त आमदनी की जा सकती है। जब टॉम क्रूज किसी फिल्म में होते हैं तो इस बात की गारंटी सी रहती है कि फिल्म पैसे बनाएगी, ढेर सारे पैसे। बहरहाल आप टॉम क्रूज प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते क्योंकि उसका डुप्लीकेशन संभव नहीं है। आम आदमी टॉम क्रूज के कामों की नकल करके वैसे ही परिणाम नहीं पा सकता, इसलिए आप रचनात्मक क्षेत्र में फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, जैसे बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखना या कोई हिट गीत गाना, क्योंकि ये क्षेत्र स्टार फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, इसलिए वे अनूठे हैं और उनकी नकल नहीं की जा सकती। बहरहाल कुछ प्रोडक्ट और व्यवसायों की आसानी से नकल की जा सकती है। पिज्जा इसका आदर्श उदाहरण है। इसमें डालने वाले पदार्थ बहुत से मिलते हैं और सस्ते भी हैं। एक आदर्श प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। आइए ये बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। सफल फ्रेंचाइजी बनने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट जैसी योग्यताओं की जरूरत नहीं, इसके लिए तो बस एक अजमाए हुए सिस्टम की आदर्श नकल की जरूरत है, शून्य से शिखर तक। क्या डुप्लीकेशन के माध्यम से समय और पैसे की लीवरेजिंग की अवधारणा कारगर है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको तो बस यह देखना होगा कि पिछले 50 सालों में फ्रेंचाइजिंग के क्षेत्र में क्या हुआ। जिस समय रे कोर्क ने अपने सिस्टम की डुप्लीकेट करना शुरू किया उस वक्त ज्यादातर लोग फ्रेंचाइजिंग को स्कैम मानते थे। अमेरिकी संसद ने तो इसे गैर कानूनी घोषित करने की भी कोशिश की थी। विडंबना देखिए, फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा तब से अब तक कितनी ज्यादा बदल चुकी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज अमेरिका में 34 से 60% वस्तुएं और सेवाएं फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आज दुनिया भर के चतुर निवेशक सफल फ्रेंचाइजी की नकल करने के अधिकार के लिए लाखों डॉलर का भुगतान कर रहे हैं। फ्रेंचाइजिंग की अद्भुत सफलता के पीछे नकल या डुप्लीकेशन की अवधारणा का महत्वपूर्ण योगदान है। बहरहाल फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत सा पैसा देना पड़ता है। सच तो यह है कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत कम लोगों के पास $10 लाख देने की कुवत है। समस्या इस बात से और बढ़ जाती है कि फ्रेंचाइजी सिस्टम में सचमुच दौलतमंद बनने के लिए आपको बहुत से फ्रेंचाइज का मालिक बनना होगा और उन्हें चलाना होगा। वैकल्पिक फ्रेंचाइजी सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम, मान ले फ्रेंचाइजी जैसे कोई ऐसी अवधारणा होगी जिसकी शुरुआती लागत सिर्फ $500 होगी, और मान ले कि यह वैकल्पिक फ्रेंचाइजी इंसान के पास मौजूद लीवरेजिंग वाली वृद्धि ग्रोथ की सबसे शक्तिशाली रूप का लाभ लेता, चक्रवर्ती के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि, तब आपके पास दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम होता। कभी इतिहास के सबसे अमीर लोगों के पास दौलत बनाने का जो सिस्टम था, आज आम आदमी उसकी नकल कर सकता है। आज ऐसा तरीका है जिससे आप एक बार काम करके 1000 बार भुगतान ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप मौजूदा सिस्टम में 1000 बार काम करके सिर्फ एक बार भुगतान ले। आगे के पन्नों में हम आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि के बारे में ज्यादा बताया जाएंगे, जो दौलत बनाने का ऐसा अजमाया हुआ सिस्टम है जिसकी आम लोग नकल कर सकते हैं। आगे आप यह सीखेंगे कि तीव्र घातांकीय वृद्धि और फ्रेंचाइजिंग अवधारणा का तालमेल किस तरह आपको इतना शक्तिशाली बना सकता है ताकि आप वर्तमान में मौजूद किसी भी अन्य आमदनी तंत्र के मुकाबले कम समय में ज्यादा व्यक्तिगत दौलत बना ले। अध्याय नंबर 5, तीव्र घातांकीय वृद्धि, दौलत बनाने का फार्मूला। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो बहुत सारे पैसे बना रहा हो और वही करें जो वह कर रहा है। मैं इस अध्याय की शुरुआत एक प्रसंग से करना चाहूँगा। ये ओसी इलम मैककार्टी नामक 88 साल की धोबन के बारे में है। यह प्रसंग आपकी आंखें खोल देगा। आप दुनिया में दौलत बनाने वाले लीवरेज के सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वसुलभ रूप को देख सकेंगे। इसे चक्रवर्ती कहा जाता है और इसमें रंग
को राजा बनाने की शक्ति होती है। मुश्किल जिंदगी, एक बात तो तय थी ओसियोला की जिंदगी मुश्किल थी, दूसरे ग्रेड में भी उन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 8 साल की उम्र में ही वे पड़ोसियों के कपड़े धोने और प्रेस करने में अपनी माँ की मदद करने लगी। 70 साल बाद ओसियोला धोबन का ही काम कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक वे एक बंडल के $1.5-2 लेती थी। बंडल का मतलब था 4 लोगों के परिवार की हफ्ते भर की लॉन्ड्री। युद्ध के बाद उन्होंने भाव बढ़ाकर $10 प्रति बंडल कर दिया। अपने सबसे अच्छे साल में भी दिन में 10 घंटे काम करने और सप्ताह के 6 दिन तक काम करने के बाद भी ओसियोला को कभी $9,000 से ज्यादा आमदनी नहीं हुई। छोटी छोटी बचतों से बड़ा फर्क पड़ता है। 40 साल की उम्र में ओसियोला आखिरकार पैसे बचाना शुरू करने में कामयाब हुई। उन्होंने पहले तो पेनी और निकल बचाए, फिर क्वार्टर्स और अंतर डॉलर के नोट। उन्होंने अपनी बचत एक स्थानीय बैंक में जमा कर दी और उसे पलट कर नहीं देखा। वक्त के साथ उसकी बचत बढ़ती गई और मूलधन तथा बचत पर ब्याज बढ़ता चला गया। 1995 की गर्मियों में ओसियोला ने प्राइमरी स्कूल की ड्रॉप आउट थी जिनकी आमदनी कभी एक साल में $9,000 से ज्यादा नहीं रही। यूनिवर्सिटी ऑफ संदर्भ मिसिसिपी को $1.5 लाख का दान दिया। चक्रवर्ती दुनिया का 8वां चमत्कार है। ऐसा कैसे संभव हुआ? लगभग अशिक्षित और औसत से कम आमदनी वाली आम महिला इतनी दौलत कैसे इकट्ठी कर पाई? ओसियोला ने खुद के शब्दों में, दौलत बनाने का रहस्य है चक्रवर्ती ब्याज। वेबस्टर ने चक्रवर्ती ब्याज को इस तरह प्रकाशित किया, मूलधन और संग्रहित ब्याज दोनों पर ब्याज का भुगतान। इस परिभाषा में प्रमुख शब्द है संग्रहित। अगर दोबारा निवेश करने के बजाय मूलधन और ब्याज को खर्च कर दिया जाए तो चक्रवर्ती की शक्ति कम हो जाती है। चक्रवर्ती को दुगुना होने की अवधारणा भी कहा जाता है। इसने इतिहास में जितनी दौलत पैदा की है उतनी किसी निवेश साधन ने नहीं की। चक्रवर्ती की बदौलत आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम करता रहा, भले ही आप काम कर न कर रहे हो। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो चक्रवर्ती को संसार का 8वां अजूबा कहा था। वाकई चक्रवर्ती दौलत बनाने का ऐसा सिद्धांत है जो वॉल स्ट्रीट और बैंकिंग उद्योग को चलाता है। तीव्र घातांकीय वर्दी बराबर विस्फोटक वर्दी। चक्रवर्ती में ऐसा क्या है जिसकी बदौलत उसे दुनिया का 8वां चमत्कार कहा जाता है? चक्रवर्ती का कौन सा गुण छोटी सी बचत को दौलत में बदल देता है? जवाब है तीव्र घातांकीय वर्दी, जो समय और धन की लीवरेजिंग का सर्वोच्च साधन है। आपको याद होगा कि अध्याय 3 में हमने सामान्य वर्दी की सीमाओं के बारे में बात की थी। तीव्र घातांकीय और सामान्य वर्दी में जितना ज्यादा फर्क होता है, यह समझने के लिए आइए गणित के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की समीक्षा कर लेते हैं जो हमने मिडिल स्कूल में सीखे थे। सामान्य का मतलब है बुनियादी गणित के कुछ काम जैसे साधारण जोड़ घटना। आम सामान्य समीकरण कुछ इस तरह का होता है, 5++5=10। इसका नाम सामान्य इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें वर्दी सीधी लकीर या रेखा में होती है, कदम दर कदम। इसलिए हम लीनियर या सामान्य समीकरण को एकल घातांक की गणना कहते हैं। दूसरी ओर तीव्र घातांक का संबंध गुणा करने से ज्यादा शक्तिशाली रूप वर्ग या घात से होता है। आम तीव्र घातांक के समीकरण इस तरह का होता है, 5^2=25। इसे तीव्र घातांक के नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि छोटी संख्या दूसरी संख्या की घात बनकर उसके ऊपर और आगे रखी जाती है। यह घात की संख्या बताती है कि मूल अंक को कितनी बार खुद से गुणा किया जाना चाहिए। इसलिए हम गणित में तीव्र घातांक के समीकरणों को दूसरी घात या तीसरी घात आदि के रूप में कहते हैं। मुद्दे की बात पर गौर करें, सामान्य वर्दी क्रमिक और क्रम से होती है। तीव्र घातांक की वर्दी तेज और नाटकीय होती है। अपने पैसे या समय का निवेश करते वक्त आपको यह सरल समीकरण याद रखना चाहिए, सामान्य मतलब सीमित और तीव्र घातांक मतलब विस्फोट। बेहतर का नियम। तीव्र घातांक की वृद्धि की जबरदस्त शक्ति को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आइए हम बेहतर के नियम की दुगुना करने वाली अवधारणा पर नजर डालते हैं। बेहतर का नियम एक सरल फार्मूला है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई निवेश कितने सालों में दुगुना होगा। इसका तरीका यह है, निवेशित राशि कितने सालों में दुगुनी होगी यह पता करने के लिए सबसे पहले तो वार्षिक ब्याज दर मालूम करें, फिर बेहतर में वार्षिक ब्याज दर का भाग दे दें। जवाब में आने वाली संख्या बताती है कितने सालों में आपका पैसा दुगुना होगा। मिसाल के तौर पर मान ले कि आपको $10,000 की राशि शेयर बाजार में लगाई है जिससे आपको 10% का सालाना लाभ होता है। इसलिए 50 सालों में शेयर बाजार ने सालाना लाभ 50% है। बेहतर के नियम का उदाहरण के अनुसार 72/10=7.2 साल। इसलिए $10,000 को दुगुना करने यानी $20,000 करने में 7.2 साल लग जाएंगे। बेहतर के नियम के मुताबिक गणना करना सरल है लेकिन इस फार्मूले के परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं। चार्ट में 10% वार्षिक ब्याज दर से सामान्य और तीव्र घातांकीय वृद्धि की तुलना की गई है। चार्ट से तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति साफ पता चल जाती है। ये सामान्य वृद्धि की गंभीर सीमाएं भी उजागर कर देती है। दोनों ही वृद्धियों के पहले कुछ साल लगभग समान रहते हैं लेकिन चूंकि तीव्र घातांकीय वृद्धि का आधार दुगुना होना है इसलिए समय के साथ निवेश विस्फोटक गति से बढ़ता है।
महायोग की पूरी कहानी बयान कर देती है। सामान्य वर्दी से $80,000 मिलते हैं 10,000 के, जबकि त्योर घातांकी वर्दी से $13,00,000 मिलते हैं 50 साल बाद। इसलिए मैं त्योर घातांकी वर्दी को दौलत बनाने का फार्मूला कहता हूँ। त्योर घातांकी वर्दी आपके पैसे को कदम दर कदम नहीं बढ़ाती, यह तो उसे कई गुना बनाती है। चक्रवर्ती से दौलतमंद बनने की आपकी राह है। चक्रवर्ती से त्योर घातांकी वर्दी की शक्ति को आदर्श मिसाल देखना चाहेंगे, यह है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट द्वारा स्थापित इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आप बफेट द्वारा 1956 में स्थापित बर्कशायर हैथवे फंड में $10,000 का निवेश करते और साल दर साल डिविडेंड का दोबारा निवेश करते तो आज आपका निवेश $8 करोड़ हो जाता। असंभव लगता है ना, सिर्फ $10,000 के निवेश से $8 करोड़ की रकम, लेकिन यह चक्रवर्ती का लाभ है। यही इसकी शक्ति है, यह साल दर साल आपके निवेश को तेजी से बढ़ाता है। अगर अब भी कोई शक हो तो कुछ कंपनियों पर नजर डालकर देख ले जिन्होंने समय के साथ लगभग 100 गुना विकास कर दिया, जिसमें वॉलमार्ट माइक्रोसॉफ्ट सूची लंबी है। अगर आप में दूरदर्शिता होती, धैर्य होता और आप इनमें से किसी कंपनी में निवेश कर देते तो आज आप करोड़पति होते। आम आदमी का लिवरेज, मैं चक्रवर्ती को आम आदमी का लिवरेज कहता हूँ और ओसियोला उसकी आदर्श मिसाल है। मैंने पिछले अध्याय में लिवरेज के दो अन्य प्रकारों के बारे में बात की थी, कर्मचारी और फ्रेंचाइजिंग। ये दोनों ही लिवरेजिंग के शक्तिशाली साधन है, लेकिन उनसे फायदा उठाने के लिए आपके पास या तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए या फिर बहुत सारी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी ओर लगभग हर व्यक्ति चक्रवर्ती की जबरदस्त शक्ति से फायदा उठा सकता है। चक्रवर्ती दौलत बनाने के तीव्र घातांकीय सिस्टम की रीढ़ है। यह आपके समय, योग्यताओं, मेहनत और पैसे के लीवरेज का बड़ा सशक्त साधन है। आगे आने वाले पन्नों में आपको कॉपीकैट सिस्टम सिखाने के जा रहा हूँ। वह चक्रवर्ती की दो सबसे बड़ी सीमाओं को खत्म कर देता है, समय और पैसा। मैं इसे समझाता हूँ। आज ज्यादातर लोगों के पास निवेश करने के लिए $1,00,000 या $50,000 यहाँ तक कि $10,000 की बचत भी नहीं है, और अगर है भी तो वे इसकी तीव्र घातांकी वृद्धि के लिए 40-50 साल तक इंतजार नहीं करना चाहते। जीवन यापन का खर्च आसमान छूने लगा है और दोस्त आमदनी वाले परिवारों को भी खर्च चलाने में मुश्किल आ रही है। ऐसे में मेहनत से कमाए पैसे के निवेश का विचार करना उतना कारगर नहीं लगता। एक तो उसकी बचत न के बराबर और दूसरी उसकी वर्तमान समस्या आरामदेह रिटायरमेंट की भावी उम्मीदों पर भारी पड़ जाती है। समय धन है, तो सवाल यह है कि आप $1,000,000 निवेश किए बिना तीव्र घातांकी वृद्धि के जरिए दौलत कैसे बना सकते हैं, या जिंदगी भर इंतजार किए बिना अपनी छोटी सी बचत को कई गुना कैसे कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब यह है, एक सस्ती नकल योग्य या अनुकरणीय अवधारणा में मिलना है, जो फ्रेंचाइजिंग और तीव्र घातांकी वृद्धि का मिला जुला रूप है। इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। सच है, यह सच है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं, अलबत्ता हर चीज हम सभी के पास है, समय। आइए इस बात को स्वीकार कर ले कि हम सभी अपनी मनचाही चीज करने का समय निकाल सकते हैं। अगर हम सच्ची दौलत बनाना चाहें तो हमें समय के सदुपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। हम हमेशा अपने दिल का शेड्यूल इस तरह बना सकते हैं ताकि हमें अपनी मनचाही चीज करने के लिए कुछ घंटे मिल जाएं। यहाँ पर आगामी दशकों के लिए सफलता का एक आसान फार्मूला बताया गया है, T×E²=S। टी का मतलब है एक कॉपीकैट मॉडल की नकल करने में निवेशित समय, टाइम, और E² का मतलब है तीव्र घातांकीय वृद्धि, और S का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता। आगे के पन्नों में आप सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह आपको दौलतमंद बनने की राह पर ले जाती है, जिसमें आप अपने बिजनेस और अपने पैसे का नहीं बल्कि समय का निवेश करते हैं। सवाल यह नहीं कि सच्ची दौलत बनाने वाला यह सरल नकल योग्य या अनुकरणीय तंत्र कारगर है या नहीं। इसकी कल्पना, इसकी सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके कारगर होने का सबूत यह है कि इस उद्योग की बदौलत हजारों लाखों लोग आर्थिक स्वतंत्रता पा चुके हैं। इसका विश्वव्यापी टर्नओवर $100 बिलियन का हो चुका है और यह 10% की सालाना दर से बढ़ रहा है। मेरा दोस्त, सवाल यह नहीं है कि यह अजमाया हुआ तंत्र कारगर है या नहीं, सवाल तो यह है क्या आप में इसे भापने की भविष्य दृष्टि है, इसे समझने की बुद्धिमता है और इसका फायदा उठाने का साहस है, ताकि आप भी नकल करके दौलत को अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। अध्याय नंबर 6, सिनर्जी, सौरक्ष बना जोड़। अगर आपने आसमान में महल बनाए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका काम निर्थक है। महल तो वही होने चाहिए, अब बस उनके नीचे नींव रख दे। अर्नेस्ट हामवी नामक एक संकल्पवान अप्रवासी 1905 के विश्व मेले में पेपर थिन पर्शियन वेफल्स बेचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह सूरज उगने से डूबने तक खड़ा रहता था, अपने वेफल स्टैंड के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त सैंपल भी देता था।
लेकिन किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही थी। कोई भी उसके वेफल्स नहीं खरीद रहा था। वह यह देख देख कर और भी ज्यादा दुखी था कि उसके दो बूथ छोड़कर आगे लगे आइसक्रीम बूथ पर भीड़ लगी रहती थी। हर दिन मेले में घूमने वाले हजारों लोग गर्मी और भूख से परेशान होकर अर्नेस्ट के सोने वेफल बूथ के पास से गुजरते थे और आइसक्रीम बूथ के सामने लाइन में खड़े हो जाते थे। अर्नेस्ट दिन भर देखता था कि आइसक्रीम बेचने वाला दोनों हाथों से कमाई कर रहा है और जले पर नमक छिड़कने जैसा था। एक गर्म और भीड़ भरी दोपहर को अर्नेस्ट की किस्मत अचानक पलट गई। आइसक्रीम इतनी तेजी से बिक रही थी कि वह जिस कप में भरकर बेची जा रही थी वह कप ही खत्म हो गए। आइसक्रीम वाला दौड़कर अर्नेस्ट के वेफल स्टैंड तक आया और अतिरिक्त प्लेट्स मांगने लगा। सौरभ से बना जोड़ अर्नेस्ट के पास एक भी प्लेट नहीं थी। उसके पास तो नरम और मीठे पर्शियन वेफल्स के ढेर थे जिन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। अचानक अर्नेस्ट के मन में एक विचार आया, क्यों न वह अपने वेफल्स का एक कोन बना ले जिसमें आइसक्रीम बेची जा सके। उसने अपने विचार पर अमल करते हुए वेफल्स का कोन बनाया और यह जादू की तरह कामयाब हुआ और यह आइसक्रीम कोन के साथ दुनिया की प्रेम कहानी की शुरुआत थी। आइसक्रीम और अर्नेस्ट के वेफल कोन घोड़ा और गाड़ी की तरह एक साथ सरपट भागने लगे। यह सौरग से बना जोड़ था। आइसक्रीम कोन रातों रात मशहूर हो गए। 1905 के विश्व मेले की सबसे हिट चीज साबित हुई। आज एक सदी बाद भी आइसक्रीम कोन दुनिया की प्रिय व्यंजन है। आइसक्रीम कोन का संदर्भ सिनर्जी की अवधारणा का बेहतरीन उदाहरण है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स का या अवधारणाओं का तालमेल अक्सर इसके हिस्सों के योग से ज्यादा होता है। आइसक्रीम कोन सक्रिय सिनर्जी की मिसाल है। आइसक्रीम का स्वाद अच्छा होता है, वेफल्स का स्वाद अच्छा होता है, उन्हें एक साथ मिला दे तो स्वाद गजब का हो जाता है। रचनात्मक सिनर्जी की जबरदस्त शक्ति। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जहां दो अलग अलग अवधारणाओं की सिनर्जी में से क्रांतिकारी प्रोडक्ट उत्पन्न हुए, अविश्वसनीय रूप से लाभकारी उद्योग को जन्म हुआ और वृहद अवसर पैदा हुए। सिनर्जी की मेरी एक प्रिय कहानी एक बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी द 3M कॉरपोरेशन के एक ऐतिहासिक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में है। इस कंपनी के एक कर्मचारी के सामने एक समस्या थी। वह चर्च में जो भजन की पुस्तक पढ़ता था उसका बुकमार्क बार बार गिर जाता था। वह इस समस्या को दूर करने का तरीका खोज रहा था। एक दिन कंपनी के विचार मंथन सत्र में उसने अपनी समस्या बताई। इससे कंपनी के एक केमिकल इंजीनियर को एक एडहेसिव का असफल प्रयोग याद आ गया जिससे कोई चीज पूरी तरह चिपकने के बजाय हल्के से ही चिपकती थी। इंजीनियर ने कर्मचारी को सुझाव दिया कि अगर वह उस असफल एडहेसिव को नोटपैड के पीछे लगा लेगा तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। प्रयोग सफल हुआ और अंततः नोटपैड और असफल एडहेसिव की असंभव लगने वाली जोड़ी पोस्ट इट नोट बन गई। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर साल 3M को 3 मिलियन को बिलियनों डॉलर कमा कर देता है। सफल सिनर्जी का रहस्य। सफल सिनर्जी की कुंजी है दो अलग अलग दिखने वाली असंबद्ध अवधारणाओं को मिलाकर एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट या सेवा उत्पन्न करना है। कई बार सिनर्जी किस्मत से हो जाती है जैसे आइसक्रीम कोन के आविष्कार में हुआ। बाकी मामलों में सिनर्जी बहुत रचनात्मक लोगों की असाधारण सोच का परिणाम होता है। कारण चाहे जो हो, सफल सिनर्जी का प्रभाव शक्तिशाली, अप्रत्याशित और विस्फोटक और जिंदगी बदलने वाला होता है। आइए आधुनिक युग की चार सिनर्जियों का संक्षिप्त नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी। एक है कार, दूसरा है ईमेल, तीसरा है पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट, चौथा है फ्रेंचाइजिंग। यकीनन इन चार सफल सिनर्जियों ने दुनिया पर बहुत ज्यादा और गहरा असर डाला है। यकीनन हम में से हर सिनर्जी ने बेशुमार दौलत कमाने में अनगिनत लोगों की मदद की है, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि इस सूची का अंतिम उदाहरण फ्रेंचाइजिंग ही आम आदमी के लिए सबसे व्यवहारिक साधन है जिसकी नकल करने वह दौलत की राह पर पहुंच सकता है। फ्रेंचाइजिंग नकलचियों का साकार सौपन। देखिए, एक बात तो तय है, बहुत कम लोगों के पास नया कंप्यूटर डिजाइन करने या बनाने या कार डीलरशिप का मालिक बनने और चलाने या फैक्स मशीन बेचने वाले रिटेल स्टोर्स का मालिक बनने लायक दिमाग या पैसा होता है। हकीकत तो यह है कि आप इन व्यवसायों की नकल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विशेष योग्यताओं और ढेर सारी रकम या दोनों की ही जरूरत होती है। यह फ्रेंचाइजिंग की सुंदर खासियत है, परिभाषा से ही स्पष्ट है कि फ्रेंचाइजिंग के मॉडल की नकल संभव है। अगर किसी प्रोडक्ट या सेवा की नकल नहीं हो सकती तो उसका फ्रेंचाइजी बनाना संभव नहीं है। फ्रेंचाइजिंग उपभोक्ताओं के लिए सचमुच वरदान है क्योंकि उसकी बदौलत किसी सफल प्रोडक्ट या सेवा की दुनिया भर में सैकड़ों हजारों जगहों पर नकल की जा सकती है। एक बार फिर मैकडॉनल्ड्स इसका आदर्श उदाहरण है। पहला रेस्टोरेंट सिर्फ एक शहर सैन बर्नार्डिन कैलिफोर्निया में था। वहाँ खाने वाला लगभग हर व्यक्ति मैकडॉनल्ड भाइयों के सस्ते हैमबर्ग और फ्रेंच फ्राइज का दीवाना था, लेकिन फ्रेंचाइजिंग से पहले इन चीजों का स्वाद सिर्फ स्थानीय लोगों को ही पता था क्योंकि रेस्टोरेंट एक ही शहर में था। फ्रेंचाइजिंग के जरिए मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर्स और फ्राइज को देश के हर शहर में पहुंचा दिया। आज 30,000 मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट 119 देशों में है और हर दो दिन में
दुनिया में कहीं ना कहीं नया रेस्टोरेंट खुल रहा है। अगर उपभोक्ता फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा से खुश है तो जरा सोचिए कि फ्रेंचाइजिंग के मालिक और चलाने वाले कितने खुश होंगे। वे तो सातवें आसमान पर होंगे। स्पष्ट रूप से हजारों बिजनेस मालिकों की नज़र वे फ्रेंचाइजिंग नकलचियों का ऐसा सपना है जो साकार हो चुका है। फ्रेंचाइजिंग ये कैसे काम करती है? दरअसल फ्रेंचाइजिंग एक अजमाया हुआ तरीका है जिसके जरिए लोग किसी सफल बिजनेस की नकल करने दौलत की राह पर पहुंच सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग सफल पार्टनरशिप की आदर्श मिसाल है। अम्ब्रेला कंपनी या फ्रेंचाइजिंग देने वाला किसी निवेशक को एक अजमाया हुआ लाभकारी सिस्टम बेचकर अपना मार्केट शेयर बढ़ाता है। निवेश या फ्रेंचाइजिंग लेने वाला एक रेडीमेड बिजनेस को खरीदता है। इसमें जोखिम की आशंका न के बराबर रहती है क्योंकि वह उन महंगी गलतियों से बच जाता है जो किसी भी नए शुरुआती बिजनेस में होती है। यह आप भी जीत और मेरी भी जीत स्थिति है। फ्रेंचाइजिंग व्यवसाय सफलता की 20वीं सदी की शायद सबसे महान कहानी है। जब मैकडॉनल्ड्स ने 1950 के दशक में अपना पहला फ्रेंचाइजी खोला तो फ्रेंचाइजिंग को ज्यादातर गंभीर निवेशक धोखाधड़ी मानते थे। आज सिर्फ 50 साल बाद फ्रेंचाइजिंग विश्वव्यापी क्रांति की श्रेणी में आ चुकी है। आश्चर्यजनक है नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च सिनर्जी। पल भर के लिए कल्पना करिए कि आप दौलत बनाने वाली सर्वोच्च सिनर्जी पैदा करने के प्रभारी होते जो इतनी जबरदस्त इतनी शक्तिशाली होती कि इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान को स्पर्श करती और यह प्रक्रिया में उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती तथा समृद्ध करती। आपको ऐसी नकल योग्य और अनुकरणीय सिनर्जी उत्पन्न करनी होती ताकि कोई भी उसकी नकल कर सके। आपको इतनी सस्ती सिनर्जी उत्पन्न करनी होती ताकि कोई भी उसे जुड़ सके। आपकी सिनर्जी सामान्य के बजाय तीव्र घातांकीय दर से बढ़ती। आपकी सिनर्जी दुनिया भर में उपलब्ध होती। आपकी सिनर्जी पुरुषों और महिलाओं, युवाओं और वृद्धाओं, अमीरों और गरीबों सभी को फायदा पहुंचाती। आपकी सिनर्जी दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम होती। देखिए, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसी क्रांतिकारी सिनर्जी मौजूद है। यह स्वर्ग से बना जोड़ है। दुनिया के इतिहास में दौलत बनाने वाले दो सबसे शक्तिशाली साधनों का रचनात्मक तालमेल फ्रेंचाइजिंग और तीव्र घातांकीय वृद्धि का जोड़ है। परिणाम है वह अवधारणा जिसे मैं सर्वोच्च सिनर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कहता हूँ। सिनर्जी की कितनी बेहतरीन अवधारणा है जिसे फ्रेंचाइजिंग जो तीव्र घातांकीय दर से बढ़े। नेटवर्क मार्केटिंग सिनर्जी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आइसक्रीम। यह कार है, यह फैक्स मशीन है। और मेरे शब्दों पर गौर करें, अगर आप सोच रहे हो कि फ्रेंचाइजिंग कितनी बढ़िया चीज है तो आपने अभी कुछ देखा ही नहीं है। अध्याय नंबर 7 नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। मैंने महसूस किया है कि मुझे आविष्कारक नहीं सिर्फ अच्छा नकलची बनना है। अब तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डुप्लीकेशन या नकल ही फ्रेंचाइजिंग की सफलता की कुंजी है। इसके अलावा हम इस बात पर भी सहमत हो चुके हैं कि चक्रवर्ती के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि ही दौलत बनाने का समय सिद्ध तरीका है। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सर्वोच्च सिनर्जी कहता हूँ। यह फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को तीव्र घातांकीय वृद्धि की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं के साथ मिला देती है। यह स्वर्ग से बना जोड़ है। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर दौलत बनाने वाला सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनाती हैं? यह जानने से पहले आइए कुछ पल ठहरकर इन अवधारणाओं की समीक्षा कर ले। अलाभकारी सेवक की नीति कथा। जैसा हमने पहले बताया है, तीव्र घातांकीय वृद्धि जिसे चक्रवर्ती या दुगुना होने की अवधारणा भी कहा जाता है दौलत बनाने वाली अवधारणा है जो समय के इंतजार में खरी उतरी है और जिसका फायदा लोग हजारों सालों से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बाइबल में भी चक्रवर्ती के फायदे का जिक्र मिलता है। जीसस की अलाभकारी सेवक की नीति कथा में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नीति कथा कुछ इस तरह है। एक बड़ी जायदाद का मालिक एक लंबी बिजनेस यात्रा पर जाने वाला था। जाते वक्त उसने अपने 3 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया। उनमें से हर एक को कुछ सिक्के देकर उनकी हिफाजत करने को कहा। पहले सेवक को 5 सिक्के मिले, दूसरे सेवक को 2 और तीसरे को 1। पहले दोनों सेवक ने उन सिक्कों को उन पैसों का निवेश कर दिया। मालिक के लौटने तक वे मूलधन को दुगुना कर चुके थे। जाहिर है मालिक ने उसकी समझदारी की प्रशंसा की। बहरहाल पैसा डूबने के डर से तीसरे सेवक ने अपना इकलौता सिक्का जमीन में गाड़ दिया। मालिक के लौटने पर उसने उन्हें वही सिक्का लौटा दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मालिक ने उन सेवक को फटकार लगाई कि उसने यह पैसा बैंकरों के पास निवेश क्यों नहीं किया। मालिक उस सेवक से इतने नाराज हुए कि उन्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया। अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना, यह नीति कथा समझदारी भरे और लाभकारी निर्णय के महत्व को दर्शाती है। चाहे वे आर्थिक हो, आध्यात्मिक, अवसाद या पैसा या गुण या योग्यताएं या आत्मा का वरदान मिलना ही काफी नहीं है। असल मुद्दा तो यह है कि आप उन वरदानों का करते क्या हैं? क्या आप उन्हें जमीन में गाड़ देते हैं या फिर समझदारी से उनका निवेश करते हो ताकि वो बढ़कर कई गुना हो सके। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति स्पष्ट है कि आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं, उसे दुगुना या फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, इस तरह कई गुना कर सकते हो। चक्रवर्ती के
माध्यम से आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपके सोते वक्त भी आइंस्टीन को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने चक्रवर्ती को संसार का आठवां अजूबा कहा। समय मुद्दा है, जाहिर है एक पेच है, वरना दुनिया का हर व्यक्ति दौलत बनाने के तीव्र घातांकी सिस्टम की नकल कर रहा होता, हम सभी अमीर होते, है ना। पारंपरिक चक्रवर्ती की दो चुनौतियां हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काफी बड़ी हैं। पहली, पैसों का निवेश करने के लिए यह जरूरी है कि घर खर्च के बाद हमारे पास हर महीने थोड़ा अतिरिक्त पैसा रहे। दुर्भाग्य से ऐसा बहुत कम हो पाता है। जैसा एक कॉमेडियन ने एक बार कहा था, हम में से ज्यादातर लोगों के पास पैसा खत्म होने के बाद भी बहुत सारा महीना बचा होता है। आम आदमी अगर खुशकिस्मत हो तो हर महीने $100 बचा सकता है, लेकिन साल भर में $1200 खास बड़ी रकम नहीं होती। दूसरी चुनौती, यह चक्रवर्ती के जरिए पैसा बढ़ाने में समय लगता है। काफी समय $1000 को दुगुना करके $2000 बनाने में 7 साल से ज्यादा समय लगेगा, बस शर्ते यह शेयर बाजार में 10% सालाना कमाए। दुगुना करने की अवधारणा खास आकर्षक नहीं लगती। जब आपके पास निवेश करने के लिए $1000 से भी कम हो या सिर्फ कुछ $1000 हो, सच तो यह है कि ज्यादातर लोग वक्त काटने में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि चक्रवर्ती के जरिए अमीर नहीं बन सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आप फ्रेंचाइजिंग जैसा एक सिस्टम है जो आपको दशकों की बजाय सिर्फ महीनों सालों में तीव्र घातांक के दौलत और स्वतंत्रता दिला सकता है। सिस्टम ही जवाब है। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग की नकल की जा सकती है, इसलिए यह दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम है। यह फ्रेंचाइजिंग जैसी ही अवधारणा है जिनकी लागत कम है, इसमें संयोग या किस्मत के दखल की गुंजाइश ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप में स्टार प्रतिभा का होना जरूरी नहीं, टाइगर वुड्स और एंजेलिना जोली की तरह है। इसके अलावा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन और बिल गेट्स की तरह नरसिंगिंग प्रतिभा का धनी होने की जरूरत नहीं है। मनोरंजन उद्योग के विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग एक सितारे के आसपास नहीं बनता, यह तो साधारण लोगों के इर्द गिर्द बनता है और जो असाधारण परिणाम पा सकते हैं। एक अजमाए हुए सिस्टम की नकल करके जिसे वे दूसरों को भी सिखाते हैं, फ्रेंचाइजिंग शुरू करने में $1,00,000 खर्च होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी सिर्फ $500 के निवेश से ही शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को जनता का फ्रेंचाइजी कहते हैं, इसलिए मैं इसे वैकल्पिक फ्रेंचाइजी कहता हूँ। सही योजना की नकल करना, एक बड़ा और लाभकारी फ्रेंचाइजी बनना दरअसल वैसा ही है जैसा कि एक बड़ी लाभकारी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनना। दोनों ही के लिए आपको हुनरमंद नकलची के रूप में अपनी ईश्वर प्रदत्ता योग्यताओं का लाभ उठाने की जरूरत होती है। जैसा हम सहमत हो चुके हैं, यह गुण आप में पहले से ही मौजूद है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप फ्रेंचाइजिंग जैसी अवधारणा की नकल करते हैं जिससे सच्ची दौलत मिलती है। दूसरी ओर नौकरी के मार्ग की नकल करने से आपको सिर्फ अस्थायी आमदनी ही मिलती है। जब आप किसी फ्रेंचाइजी में पैसा निवेश करते हैं या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में समय निवेश करते हैं तो आप दरअसल सिस्टम में निवेश कर रहे हैं। सुनने से शुरू करके मैकडोनल्ड्स जितना विशाल मल्टी बिलियन कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश करने के बजाय क्या इससे ज्यादा समझदारी नहीं है कि सफलता के इसके ब्लूप्रिंट का अनुसरण किया जाए। सबसे बढ़कर मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन अपनी फ्रेंचाइजी को एक त्रुटि रहित सिस्टम देता है जो लोग मैकडोनल्ड्स के बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुनकर हंस सकते हैं, जिसे हैमबर्गर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन मैकडोनल्ड्स के मुख्यालय प्रशिक्षण और शिक्षा में हमें बहुत अहम माना जाता है। मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी पाने के लिए आपको हैमबर्गर यूनिवर्सिटी जाना होगा, उनके अजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सीखना होगा। एकमात्र तंत्र जो जादू की पुड़िया की तरह 50 सालों से कारगर है। अगर आप सिस्टम की नकल नहीं करना चाहते तो आपको फ्रेंचाइजी मिलता ही नहीं है। यह इतना ही आसान समीकरण है। मैकडोनल्ड्स वाले कतई नहीं चाहते कि उनका कोई फ्रेंचाइजी असफल हो। फ्रेंचाइजिंग विजेता है। मुझे लगता है यह कहना सुरक्षित है कि 1980 से 1990 के दशक में फ्रेंचाइजिंग दुनिया की सबसे गर्मागर्म अवधारणा थी और इस उद्योग में अब भी अद्भुत और अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। एंटरप्रेन्योर पत्रिका के अनुसार 2009 में दुनिया भर में 7,50,000 फ्रेंचाइजी ने $1 ट्रिलियन की बिक्री की। आपने सही पढ़ा, $1 ट्रिलियन। सिर्फ 50 से 60 साल पहले फ्रेंचाइजी को धोखाधड़ी माना जाता था। इसे देखते हुए आज इसकी विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा को देखकर हैरानी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी की तुलना में कैसी है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सफल फ्रेंचाइजी जैसी ही भूमिका निभाती हैं। नेटवर्किंग कंपनी हमने फ्रेंचाइजी की मदद करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट और एक रेडीमेड सिस्टम देती हैं, जिसे आजमाई हुई मार्केटिंग और शैक्षणिक सामग्री का समर्थन हासिल होता है, जिसे बोसर्स, फ्लायर्स, टेप्स आदि। फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही में सिस्टम असल कुंजी है। आपकी सफलता नवाचार नहीं बल्कि नकल करने की आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप निर्धारित सिस्टम की नकल में जितने माहिर होंगे उतने ही ज्यादा सफल बनेंगे। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी भी शामिल हो, आप हमेशा अपनी कंपनी के मुखिया होते हैं और आपको हर
स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी कंपनी का मुखिया होता है। यह प्रमुख सीओज का नेटवर्क है। फ्रेंचाइजी की तुलना में नेटवर्किंग के फायदे। हालांकि फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्किंग दोनों ही नकल पर आधारित सिस्टम है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग की तुलना में नेटवर्किंग के लाभ ज्यादा है। इन दोनों अजमाए हुए कॉपीकैट सिस्टम के इस तरह तुलनात्मक चार्ट है। फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंचाइजी शुरू करने की औसत लागत लगभग $1,00,000 से ज्यादा होती है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में $500 या इससे भी कम होती है। फ्रेंचाइजिंग में पैसे के बदले समय देना सामान्य वर्दी है और नेटवर्क मार्केटिंग में आमदनी त्योर घातांकीय दर से बढ़ती है। फ्रेंचाइजिंग में आपको हर महीने 3-10% फ्रेंचाइजिंग फ्री देनी होगी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको अपने संगठन का 3-28% भुगतान देती है। फ्रेंचाइजिंग कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होता है और नेटवर्किंग में किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं होती। फ्रेंचाइजिंग काम फैलने पर ओवरहेड के खर्च बढ़ जाते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में घरेलू बिजनेस। फ्रेंचाइजिंग आपको स्टोर खोलने की अवधि के हिसाब से काम करना होता है, जबकि नेटवर्किंग में अपने काम के घंटे आप खुद तय करेंगे। फ्रेंचाइजिंग सीमित इलाका है और नेटवर्किंग में असीमित इलाका है। फ्रेंचाइजिंग किसी दूसरे का सपना साकार करना और नेटवर्किंग अपना खुद का सपना साकार करना है। जैसे आप देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग के सर्वश्रेष्ठ गुण भी तो शामिल कर लेते हैं। एक नकल योग्य या अनुकरणीय सिस्टम की अवधारणा, लेकिन बुरी चीजों को छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप नेटवर्किंग कॉपीकैट मार्केटिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को मुफ्त उद्योग के विकास का अगला चरण कहते हैं। तीव्र घातांकीय वृद्धि वाली फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजिंग की तरह आपके नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक होता है। वह प्रोडक्ट्स तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही है, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी बनाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंचाइजिंग जैसा कोई बंधन नहीं है। कोई फ्रेंचाइजिंग लाख चाहने पर भी फ्रेंचाइजर नहीं बन सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यह आसानी से तय किया जा सकता है। आप फ्रेंचाइजर बनकर दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं और उन्हें दौलत बनाने के अजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फ्रेंचाइजी के मालिक हमेशा सामान्य वर्दी के चक्कर में फंसे रहेंगे, चाहे वे कितनी ही फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं। फ्रेंचाइजी बिजनेस का सामान्य वर्दी का चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा, 1, 2, 3, 4, और चाहे आप कितनी ही अतिरिक्त फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं, वर्दी हमेशा सामान्य ही रहेगी। इसका मतलब है कि आप कभी भी अपने 6 फ्रेंचाइजी के कुल लाभ से ज्यादा नहीं कमा सकते। दूसरे परिदृश्य में हम ये मान लेते हैं कि आप स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स के बढ़ते हुए नेटवर्क के मुखिया हैं। समय के साथ आपने 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर लिया है। आपने उन्हें अपनी नकल करना सिखा दिया और उसकी बदौलत उन्होंने भी 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर लिया है। उनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की नकल करता है और 6 अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लेता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का तीव्र घातांकीय वृद्धि चार्ट कुछ इस तरह दिखता है, 6 फिर आगे 6 से गुणा करेंगे। जैसा आप साफ साफ देख सकते हैं, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर करके उन्होंने अपने कामों की नकल करना सिखाकर या अपने बिजनेस की लिवरेजिंग करके और सैकड़ों वैकल्पिक फ्रेंचाइजी तैयार कर लेते हैं, और यह तो आइसबर्ग की ऊपरी नोक ही है। जब तीव्र घातांकीय वृद्धि की दुगुना होने वाली अवधारणा शुरू होती है तो वृद्धि विस्फोटक हो जाती है। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति की बदौलत कुछ नेटवर्क मार्केटर्स के संगठनों में हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोग होते हैं। जरा कल्पना करें कि आपको इनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा उत्पन्न सकल प्रोडक्ट वॉल्यूम पर कमीशन मिल रहा है। कोई हैरानी नहीं कि कुछ नेटवर्क्स मार्केटर्स अमीर और मशहूर लोगों जैसे जीवन शैली जीते हैं। आपको अनुशंसा के पैसे मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा विज्ञापन बातचीत के माध्यम से होता है। हम सभी हर वक्त यही करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट गंप जैसी बेहतरीन फिल्म देखते हैं तो हम अपने सभी दोस्तों को इसे देखने की अनुशंसा करते हैं, लेकिन जब हमारे दोस्त इसे देखने थिएटर जाते हैं तो क्या हमें अनुशंसा के लिए पैसे मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बेहतरीन रेस्टोरेंट के अनुशंसा के मामले में भी होता है। जब हम किसी जबरदस्त रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं तो हम लौटकर अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या रेस्टोरेंट का मालिक हमें उस पैसे पर कमीशन देता है जो हमारे दोस्त वहाँ खर्च करते हैं? सवाल ही नहीं उठता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट्स और सेवाओं की अनुशंसा करने के लिए कमीशन मिलता है। यह तो नेकी और पूछपूछ वाली बात है, क्योंकि बगैर कमीशन के लिए भी आप उनका इस्तेमाल और अनुशंसा करते हैं। यह एक जीत है और यह दुनिया में सबसे सफल, सबसे नैतिक किस्म की मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करती है? देखिए, मैकडॉनल्ड्स ने दुनिया में 20,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट के साथ कारोबार शुरू नहीं किया था। उसने तो बस एक रेस्टोरेंट से अपना धंधा शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने पहले वाले रेस्टोरेंट जैसा ही एक और रेस्टोरेंट खोल दिया। इसी तरह आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि शुरू कर सकते हैं और आप खुद से और अन्य व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप हर महीने एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं? सिर्फ एक पार्टनर जिसकी ज्यादा स्वतंत्रता, सम्मान, खुशी और सुरक्षा
हमेशा से दिलचस्पी हो। एक पार्टनर जो अपनी और अपने परिवार वालों को जिंदगी बेहतर बनाने में सर्वत दिलचस्प रखता हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति सफल होने के लिए बस इतनी की ही जरूरत होती है। एक महीने में एक व्यक्ति करके 4096 व्यक्ति हो सकते हैं। जब आप उस व्यक्ति को अपने नेटवर्क में स्पॉन्सर कर लेते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं। आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने पर पूरी कोशिशें केंद्रित करने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपनी टीम के नए व्यक्ति को सिस्टम की सफलतापूर्वक नकल करना सिखाना होता है। दूसरे महीने में आप अपने पहले नए व्यक्ति को और अपने कामों की नकल करना सिखाते हैं। आप उसे महीने में एक व्यक्ति को स्पॉन्स करने का तरीका सिखा देते हैं, साथ ही आप एक और व्यक्ति के नए स्पॉन्स कर लेते हैं। इस तरह दूसरे व्यक्ति के अंत तक आप खुद को दो स्पॉन्सर कर लेते हैं। दूसरे महीने के अंत तक आप खुद को दो लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं। इसके अलावा आपने अपने नए व्यक्ति ने भी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लिया, अब आपका समूह 4 का हो गया, आप और 3 अन्य लोग। फिर आप स्पॉन्सरिंग के सफल के सिस्टम की नकल करते जाते हैं और नए पार्टनर्स को अपनी नकल करना भी सिखाते हैं। तीसरे महीने, चौथे महीने यह सिलसिला चलता रहता है। साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों को स्पॉन्सर कर लेंगे। एक महीने में एक और उनमें से हर एक भी एक महीने में एक को स्पॉन्स कर लेगा। इसी तरह अब आइए देखते हैं कि एक साल के अंत में क्या होता है। परिणाम देखकर आपको तीव्र घातांकी वृद्धि की जबरदस्त शक्ति पता चल जाएगी, जो नेटवर्क मार्केटिंग नामक आसान नकल योग्य और अनुकरणीय फ्रेंचाइजी जैसी अवधारणा से जुड़ी है। आपको पता चलेगा कि इससे आपका बिजनेस विस्फोटक गति से बढ़ चुका है। एक महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्स करके और उसे अपने कामों की नकल करना और महीने में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्स करना सिखाकर साल के अंत तक आपके संगठन में 4096 स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी वैकल्पिक फ्रेंचाइजी हो जाएंगे। एक रोमांचक पहलू पर गौर करें, कंपनी आपको अपने संगठन के सेल्स वॉल्यूम पर कमीशन देती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेल्स कमीशन में 3-28% भुगतान करती है तो आप महीने में $12,000 से $20,000 तक कमा लेंगे या इससे भी ज्यादा। मेरे दोस्त, दौलत की राह की नकल करने का तरीका यही है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अविवादित तथ्य, हम नेटवर्क मार्केटिंग में निहित सिद्धांत के बारे में काफी बात कर चुके हैं। अब आइए इस प्रगतिशील उद्योग में संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजिंग की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग भी 60 सालों से मौजूद है। यह निर्माता से उपभोक्ता तक प्रोडक्ट तथा सेवाएं पहुंचाने का शक्तिशाली और कार्यकुशल तरीका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में बिजनेस के वैध तरीके के रूप में स्थापित हो चुका है। आज दुनिया भर में लगभग 6.76 करोड़ लोग किसी न किसी रूप और किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट भी एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग खरीदकर इस उद्योग में कदम रख चुके हैं। स्पष्ट यह है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कोरा सिद्धांत ही नहीं है, यह अब विवादास्पद भी नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग वही है जहां फ्रेंचाइजी 40-50 साल पहले थी। यह जनता की फ्रेंचाइजी की अवधारणा है जो तीव्र घातांकीय गति से बढ़ती है। अब यह अपने चरम विकास के दौर में दाखिल हो रही है। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ना, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व विकास किया। जब मैंने 1990 के दशक की शुरुआत में इस उद्योग के बारे में लिखना शुरू किया था तब इसका सालाना बिजनेस $20 बिलियन था। उसके बाद उसने हर साल 10% वृद्धि की और 2009 में इसकी विश्वव्यापी बिक्री $100 बिलियन थी, जिसकी और सबसे अच्छी खबर यह है कि आगे और भी ज्यादा तीव्र विकास की संभावना है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के स्वर्णिम युग में कदम रख रहे हैं। नेटवर्किंग आज वही है जहां फ्रेंचाइजी 40-50 साल पहले थी, जिसका मतलब है कि इसके सर्वश्रेष्ठ वर्ष भविष्य में आएंगे। मेरी भविष्यवाणी है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग दशक के फ्रेंचाइजी की बिक्री को पार कर लेगा। यह एक बड़ी परिवर्तन नहीं है, यह तो एक विश्वव्यापी मुहिम है। तीव्र घातांकीय उद्यमी नेटवर्किंग मार्केटिंग घरेलू उद्यमिता के ज्वार का फायदा उठाने का सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है जो पूरी दुनिया में उफान पर है। आप खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगले दशक में विस्फोट के रूप में करते हुए देखेंगे, या फिर मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो इस विस्फोट में कदम मदद करेंगे और इसका फायदा भी उठाएंगे। निष्कर्ष, अब आपकी बारी है। सेना के हमले का प्रतिरोध किया जा सकता है, लेकिन उस विचार का नहीं जिसका समय आ चुका हो। कॉपी के संबंधी पुस्तक को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति के सबसे अच्छे नकलची प्रोफेशनल कैटरपिलर की कहानी बताना है। इन आकर्षक छोटे कीड़ों का नाम आप इसलिए पढ़ा क्योंकि उनमें लाइन में चलने की अजीब आदत होती है, एक के पीछे एक। कैटरपिलर्स अपने साथियों के व्यवहार की नकल करने में माहिर होते हैं। दरअसल उन्हें और कुछ आता ही नहीं, सिर्फ नकल करना आता है। उनकी झुंड प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वे एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं एक वक्त में कई मील। बरसों पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक अनौपचारिक प्रयोग करके यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रोसेशनरी कैटरपिलर की झुंड प्रवृत्ति कितनी शक्तिशाली होती है। उसने एक फूलदान के गोल
गोल घेरे पर कुछ कैटरपिलर्स रख दिए। भीतर कैटरपिलर्स की प्रिय पत्तियों का आहत और ताजे पानी की भरपूर मात्रा थी। कैटरपिलर्स आगे वाले कैटरपिलर के पीछे पीछे फूलदान के गोल घेरे में ही घूमते रहे। वे बिना रुके घंटों दिनों तक चलते रहे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि भोजन और पानी कैटरपिलर से सिर्फ कुछ इंच ही दूर थे, लेकिन नकल करने की प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली थी कि एक भी कैटरपिलर ने चक्कर नहीं तोड़ा। 7 दिन तक लगातार चलने के बाद सभी कैटरपिलर थकान और भूख प्यास से मर गए। अब किस चीज की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? प्रोफेशनरी कैटरपिलर्स की तरह ही हम इंसानों में भी झुंड प्रवृत्ति होती है। इसी वजह से हम इतने बेहतरीन नकलची होते हैं। सौभाग्य से हमारे सोचने की योग्यता हमारी झुंड प्रवृत्ति को संतुलित कर देती है। चूंकि हम सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं, जबकि कीड़े मकोड़े अपने सहज बोध या भाव के रहमो करम पर ही निर्भर होते हैं। प्रोफेशनरी कैटरपिलर्स के विपरीत इंसान झुंड से अलग होने का विकल्प चुन सकते हैं। हम उन लोगों की नकल करना बंद कर सकते हैं जिनका सिस्टम हमें कर्ज, निर्भरता, शंका और बहुत सारे लोगों के मामले में तबाही की ओर ले जाएगा। या फिर हम उन लोगों की नकल करना शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं जिनका सिस्टम हमें समृद्धि और प्रचुरता की ओर ले जाएगा। आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप प्रोफेशनरी कैटरपिलर्स जैसे हैं जो अंधों की तरह अपने सामान्य वाले कैटरपिलर्स की योजना की नकल कर रहे हैं, जब तक कि आपका अंत भी 95% इंसानी प्रोफेशनरी कैटरपिलर्स जैसा न हो जाए? सौरगवासी, कड़के और सरकारी पेंशन पर गुजारा करने वाले? या फिर आप समूह से अलग होने की इच्छुक हैं या सच्ची दौलत की ओर ले जाने वाले एक अजमाई हुई योजना की नकल करके 5% लोगों की जमात में पहुंचना चाहते हैं? दौलत बनाने के लिए सिस्टम की नकल करें। दौलत बनाने के लिए सिस्टम की नकल क्यों करें? आप समूह का साथ क्यों छोड़े? दौलत उत्पन्न करने वाले सिस्टम की नकल क्यों करें? इस सवाल का जवाब एक ही शब्द में दिया जा सकता है, स्वतंत्रता। कर्ज से स्वतंत्रता हमेशा हमेशा के लिए। बोस की सख्त निगरानी से स्वतंत्रता, जो हर पल आपके कंधे के पीछे से झांकता रहता है। घर खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने से स्वतंत्रता। अपने काम के घंटे और वेकेशन का शेड्यूल खुद तय करने की स्वतंत्रता। किसी दूसरे के सपने के बजाय अपने खुद के सपने साकार करने की स्वतंत्रता। और पूर्णकालिक तनाव से स्वतंत्रता, जो बहुत कम पैसे की खातिर बहुत ज्यादा काम करने से होता है। सच्ची दौलत का मतलब है आप जो चाहें जब चाहें उसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय हो। सच्ची दौलत फ्री शब्द को फ्री इंटरप्राइज में रख देती है। मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ा कारण है कि सच्ची दौलत बनाने वाला सिस्टम की नकल करनी चाहिए। अब आपकी बारी है, आप इसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जितनी योग्यताओं की जरूरत होती है वे सब आप में है, क्योंकि आप पैदाइशी नकलची हैं। 95% लोगों की जमात में से बाहर निकलने और दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करना शुरू करने का वक्त आ चुका है। उन कैटरपिलर्स की नकल करने से क्या फायदा जो एक अंतहीन चक्कर के गोल गोल घूम रहे हैं? झुंड से अलग होने और सच्ची दौलत व पूर्ण स्वतंत्रता पाने की अब आपकी बारी है। मजे की बात तो यह है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसे आप पहले से ही न कर रहे हो। आप पहले से ही नकल में माहिर हैं। क्या सच नहीं है? तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये एक ऐसे सिस्टम की नकल करने का समय है जो आपके सपने साकार करने में आपकी मदद करेगा? आप क्यों नहीं सोचते कि आपको उस दकियानुसी सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहिए जो आपको अपने सपनों का गला घोटने के लिए मजबूर करता हो? भविष्य के बारे में आपके सच्चे डर क्या है? सच्ची दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करने में डरने की कोई बात नहीं है। सच्चा डर तो यह है कि कहीं 65 साल की उम्र में हमारा अंत भी इस दुनिया के 95% लोगों के जैसा न हो। सौरवासी, कड़के या परिवार या चर्च या देश की दया पर निर्भर। सच्चा डर है अपने स्वर्णिम वर्षों में गरीबों के स्तर की पेंशन पर रिटायर होना। सच्चा डर तो औसत जिंदगी से समझौता करना है, जबकि आप अपने दिल में जानते हो कि आप इससे बहुत ज्यादा सक्षम हैं। सच्चा डर अपने सपने छोड़ना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ऐसी योजना की नकल करने का चुनाव किया है जो उन्हें कभी साकार नहीं कर सकती। मेरे दोस्त, आपको नकारात्मक लोगों को अपने सपने चुराने की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए। नकारात्मक लोग प्रोफेशनरी कैटरपिलर्स जैसे होते हैं। वे इस बात पर जोर देंगे कि आप उनके सिस्टम की नकल करें, इस तनख्वाह से उस तनख्वाह तक गुजारा करें, भले ही इसका नतीजा ये हो कि आप अंतहीन चक्कर में गोल गोल घूमते हो। अवसर कभी खाली नहीं जाते। जब अब सच्ची दौलत बनाकर स्वतंत्र होने की आपकी बारी है, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग योजना की नकल करनी होगी। हमेशा याद रखें, जब अवसर आपके सामने आए तो आपको उन्हें फौरन लपकना होगा। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि जब आप पूरी तरह तैयार होंगे तभी अवसर सामने आएंगे। जैसा मैं कहता हूँ, अवसर कभी खाली नहीं जाते, कोई दूसरा उनका पहले फायदा उठा लेता है। इस अवसर को अपने पास से खाली न जाने दे। हीरे की अंगूठी को जकड़ने का यह आपका मौका है। आप ये काम कर सकते हैं। आप पहले से ही माहिर नकलची हैं। खुद को फ्रेंचाइजिंग के बाद भी बाद की सबसे महान आर्थिक मुहिम से फायदा उठाने का एक मौका तो दे। विश्वव्यापी नेटवर्किंग आज वही है जहां फ्रेंचाइजिंग 40 साल
साल पहले थी। आज नेटवर्किंग बिजनेस का वार्षिक वॉल्यूम $110 बिलियन से भी ज्यादा है। यह तय है कि अगले दशक में यह $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अब ज्यादा इंतजार न करें, शामिल होने का सबसे बेहतरीन समय कभी नहीं रहा। आज आप एक विश्वव्यापी मुहिम की शुरुआत का फायदा उठा सकते हैं। 5% जमात में शामिल होने की यह आपकी बारी है, इसलिए इस अवसर का फायदा उठा लें किसी दूसरे के उठाने से पहले। आप एक माहिर नकलची हैं, आप में सफल होने की सभी योग्यता है, इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। आप इसके हकदार हैं, यह आपकी बारी है। आप नकल करके दौलत की अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।